रेड्डी ने एक बार तुझे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन अब तेरी मौत मेरे हाथों से इसी वक्त होगी। उस दिन लड़की को बचाने की ड्यूटी पर था, इसलिए तुझे रास्ते में बांधकर छोड़ दिया। अगर तुझी से बचाना ही ये पता होता तो वहीं पर तुझे काट देता। मेरे आने से पहले इस कहानी में क्या हुआ पता नहीं, पर मेरे इसमें आने के बाद तेरी जरूरत नहीं। इस कहानी का मैं हीरो हूं। रविंद्र रेड्डी, अच्छाई का दूसरा नाम। 35 गांव, 1.25 लाख लोग इसकी छांव में जी रहे हैं। इसके ही राज में जनता ने हथियार छोड़कर किताबें पकड़ ली हैं। पसीने की कमाई उन्हें रास आने लगी, बच्चों का भविष्य बनने लगा। प्यारी बेटी, तू भी मेरी बहन की तरह बहुत पढ़ाई करना। वेंकट रमन। नमस्ते भैया। कैसे हो तुम? अच्छा हूँ भैया। बेटा है ना? नमस्ते। पढ़ाई पूरी हो गई है, शहर में नौकरी मिल रही है, आपके आशीर्वाद के लिए आया है। खुश तो हो ना वेंकट? कैसी खुशी भैया, इकलौते बेटे के साथ जिंदगी बिताऊंगा सोचा था, लेकिन ये तो नौकरी के लिए बाहर जा रहा है भैया। चलता हूँ भैया। वर मांगने पर ही वरदान देते हैं देवता, लेकिन बिना मांगे ही अपनी 2 एकड़ जमीन अपने गाँव वालों को दान कर दी इस देवता ने। कहते हैं कि जहां भगवान होता है वहां राक्षस भी होता है, और इस राक्षस का नाम है पाशी रेड्डी। अहंकार, घमंड, अधिकार कैसे चलाना चाहिए उसका बेहतरीन उदाहरण है ये। पापा, अगर उसने स्कूल की नींव वहां पर रख दी तो हमारी नाक कट जाएगी, हमें कुछ करना पड़ेगा। दोनों की ताकत एक सी है, फिर भी जनता उसके साथ क्यों है? इस सवाल का जवाब इसके पास नहीं है। रविंद्र रेड्डी से मुकाबला करने के लिए इन्होंने एक हथियार का इस्तेमाल किया, और उस हथियार का नाम है राजनीति।
नायक नहीं बना तो क्या हुआ, नेता बनकर जनता पर राज कर सकता है, ये सोचकर उसने राजनीति में कदम रखा। नमस्ते रविंदर रेड्डी, हमारे जीजा जी मिनिस्टर साहब आए हैं। भोली भाली जनता को जाति के नाम पर लड़ाकर गंदी राजनीति खेली तुमने, पूरे गांव का नाम खराब कर दिया। हासिल क्या करना चाहते हो? एक नारियल फोड़कर जनता को पढ़ाकर तो क्या हासिल करना चाहता है? सब रोक दूंगा, सब कुछ रोक दूंगा। तो इन सबको पढ़ाकर लाट साहब बनाना चाहता है, इन सबको डराकर गुलाम बनाना चाहता है। डर का मतलब जानता है? राजनैतिक अधिकार से राज करना चाहता था ये पशी रेड्डी, लेकिन जब रविंद्र रेड्डी जैसे शेर का पंजा उसके गाल पे पड़ा तो जनता के सामने अपने अपमान को वो सहन नहीं कर पाया और उसने एक बहुत ही भयंकर निर्णय लिया। तुम यहाँ पर अपने बाप का पिंडदान कर रहे हो, दूसरी तरफ मेरा खून खोल रहा है, पता है वहाँ पर वो? पंडित जी। हाँ बोलिए प्रताप रेड्डी जी। इस साल हम अपने परिवार में कोई शुभ कार्य कर सकते हैं क्या? कोई शादी वादी कर सकते हैं? मैं शादी कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मामा एक लड़की का इंतजाम कर शादी कर। अरे तेरा बाप तो कमीना था ही, तू तो दर कमीना निकला। आज तक गाँव वालों को अपना समझकर उनके हर दुख में हर सुख में उनका साथ देने वाला भगवान बनकर खड़ा रहा रविंद्र रेड्डी। भैया ये 500 एकड़ की जमीन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को दे दी, लेकिन सिर्फ पढ़ाई होने से काम नहीं होगा, बाकी की जो जमीन है वो कंपनीज और फैक्ट्री वालों को दे देते हैं, फिर इधर ही पढ़ाई और इधर ही नौकरी, ताकि किसी को भी कहीं भी जाने की जरूरत ही ना पड़े। भैया क्या हुआ? यही सपना तो मैं देखते आया भानु, और आज तुम उन्हीं सपनों को साकार करने का रास्ता दिखा रही हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। भैया आप चाहते हैं कि सब लोग पढ़ाई करें, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आप जैसा नायक इस राज्य को मिलना, ये इस राज्य का सौभाग्य है। बहन की शादी कब करेंगे भाई? जब उसकी मर्जी होगी। भाई कलेक्टर साहब आए हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हम लोग कलेक्टर साहब से मिलकर आते हैं। एक काम करो, तुम लोग मंदिर पहुंचो। चलो। अरे कुछ बोलेगा भी कि इधर उधर ऐसे ही घूमता रहेगा? रवि अब तो प्रताप रेड्डी आपके बीच में नहीं आएगा, शादी करके सुखी जीवन बिताना चाहता है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार साहब जी। मलय जी मालिक, इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, गाड़ी में बिठाओ। अरे नहीं मालिक, आप लोग जाइए, जल्दी लेकर आओ। सूरी तू पीछे की गाड़ी में आ। अब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा सब।
शेर का शिकार करने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं दिमाग की भी जरूरत होती है, ऐसी सोच है प्रताप रेड्डी की। रवि काट डालो रविंद्र रेड्डी को। आगे खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मालिक मालिक मालिक, मेरी बीवी तड़प रही है मालिक, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए मालिक, वो मर जाएगी मालिक मालिक। कहा था मैंने उसकी राह पे मत चल, नहीं सुना, तेरी वजह से ही मेरे बाप ने आत्महत्या कर ली। तू मेरे हाथों से कभी नहीं बच सकता रविंद्र। मलय, ये तूने बहुत गलत किया। शिक्षित करना चाहता हूं मैं अपनी जनता को, और वो करके ही रहूंगा। तेरी वजह से मेरे सपने खत्म नहीं होंगे, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। सुनिए, चला और कोई है? पंडित जी, जल्दी से जल्दी इस औरत को हॉस्पिटल लेकर जाओ, जल्दी करो, जाओ जाओ। पिता का अपमान और उनकी मौत ने इसके सीने में बहुत बड़ा घाव कर दिया था, और उस घाव को भरने का अब सिर्फ एक ही तरीका था, रविंद्र रेड्डी की मौत। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी ख्वाहिशें खत्म नहीं होने चाहिए। भाई की ख्वाहिशों को जिंदा रखने के लिए अपने आंसुओं को छुपाकर जनता के बीच धैर्य के साथ खड़े रहने का फैसला लिया भानुमति ने। रविंद्र रेड्डी को प्रताप रेड्डी ने मारा है, क्या यह बात सच है? हाँ ये सच है। प्रताप रेड्डी को अरेस्ट कर लिया है। प्रताप रेड्डी अरेस्ट हो गया है, आज न्याय जीत गया, लेकिन हमारे राज्य के साथ जो अन्याय हुआ है उसका फैसला हम खुद करेंगे। अब आप क्या करना चाहती हैं? इस वक्त जो प्रताप रेड्डी का राज चल रहा था उसे खत्म करने के लिए भानुमति ने भद्रकाली का रूप धारण कर लिया, और कुछ ही समय में उसके राज्य को खत्म कर दिया। अपने भाई को दिए वचन को पूरा करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिए, अपने सारे शत्रुओं को एक एक करके खत्म करती गई। उन सभी शत्रुओं के सिर अपने सामने झुकाने के लिए उसने अपनी एक सेना खड़ी की, जो सारे राज्य में राज करना चाहता था उसका नामो निशान मिटा दिया, और उसकी ताकत उसका गुरूर सब खत्म कर दिया भानुमति ने, और प्रताप रेड्डी जेल के अंदर घुटता रहा। भांजे, हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, वो अपनी भांजी को पढ़ाई के लिए यहाँ से कहीं दूर भेज रही है, खत्म कर दें उसको। उसका डर हमारी ताकत होनी चाहिए मामा। मतलब? मतलब भाई बाहर आने चाहिए, और इनके बाहर आते ही भानुमति को मारना होगा। you
आपको कुछ नहीं होगा, मैंने सब बात कर ली है। सारे डॉक्टर्स अपने ही हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे वहाँ क्या कर रहा है? इधर आना। बाहर कब निकलवाएगा इसे? वो क्या कर रहा है, साफ बोलना। पहले रिपोर्ट निकलवाते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। अगले 17 तारीख तक रिलीज करवा देंगे। सच कह रहा है ना? तू बोलता जाएगा और हम सुनते जाएंगे। ए मामा, ये ऐसे नहीं मानने वाला, इसे अपने अंदाज में समझा। इस बार छूटने वाले कैदियों में प्रताप रेड्डी जी का नाम जरूर होगा, मैं बोलता हूँ। दिलासा दिलाते रहो और क्या। भानुमति की भांजी का डर ही हमारा हथियार है। अभी बड़ी हो गई है वो, तेरे बाहर आते ही उसे हम तुम्हारे हवाले कर देंगे, फिर जो मर्जी वो करना। ये उसके बचपन की फोटो है, हम उसे कैसे भी पकड़ के ही रहेंगे। नमस्ते भाई। आओ भाई आओ, बैठ जाओ। बैठिए। उस बच्ची के लिए तुम्हें किसी बॉडीगार्ड की जरूरत थी ना? तो कोई है? है ना, जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेगा उसको। ए बालू को फोन लगाओ। अरे भाई भाई रोको रोको, अरे रोड ब्लॉक हो जाएगी। ये लोग कौन है भाई? एक बूढ़े की जमीन पर कब्जा कर लिया था, वो जमीन छुड़ा कर दी, अब वो मुझसे वसूल करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी हालत की है। वो देखो कैसे भागे आ रहे हैं। ये बड़ा एक्साइटेड लग रहा है। अरे अभी मारा नहीं है भाई। अरे भाई तुम्हें मारा ना इसीलिए भागे, और अब तुम खुद हमारा पीछा कर रहे हो। नाटक करता है ज्यादा, सैंड पट्टी मत कर, पेट से तो सारी तड़िया बाहर निकाल दूंगा। क्या बता मैं? बोला था ना बहुत एक्साइटेड लग रहा है। क्या उसने हमारी 50 लाख की जमीन जब्त कर ली है, उसे छुड़वा के ला। टर्न द ब्यूटीफुल फेस। पैसे चुपचाप दे दो चच्चा। अरे पैसे कैसे, जमीन बेच दी ना। अरे ऐसे कैसे बेच दी जमीन? अबे मैं बात कर रहा हूँ ना बे। आप चुप रहिए, मुझे बात करने दीजिए। तो क्या पंचायत करने आया है? अच्छा पंचायत अच्छी नहीं लगती तो तू पंच ले ले। अबे चल रे। अरे चाचा। अब बोलो भाई। फिर कब मिलोगे ये तो बताते जाओ। भाई आपका दूरा भाई से तो कोई रिलेशन नहीं है ना भाई? नहीं। थैंक्स भाई। उधर ही चल रहे, उधर गए तो वो मारेगा, इधर गए तो ये पीटेगा। चुपचाप निकल ले, इसे में भलाई है। आज तो सच में कमाल हो गया भाई, बापू का फोन आया था आपको बुलाया। ऐसा क्या? हाँ? चलो। ये बच्ची की डिटेल्स है, पर हमारी बच्ची को उस बॉडीगार्ड के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, आपके ऊपर भरोसा किया हमने। अरे भाई तुम्हारी बातों में धर्म है, हमारे पास धैर्य है, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। नमस्ते बापू। आ जा भाई। हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ बैठो। क्या हुआ बापू, बुलाया आपने? कुछ खास नहीं है बेटा, इनकी बच्ची को एक बॉडीगार्ड की जरूरत आ पड़ी है, लेकिन ये बात उस बच्ची को पता नहीं चलनी चाहिए। रोज के 2 लाख पेमेंट मिलेंगे, लेकिन इस काम में तुम्हारे लिए थोड़ा रिस्क होगा बेटा। अरे बापू रिस्क मेरे लिए नई बात है क्या? जान की परवाह किसे है, पेमेंट बढ़िया मिल रहा है, फिक्स कर दो। तुम जा कहाँ रहे हो बेटा? अरे हमेशा क्या बहरामबाग में, कभी कभी बंजारा हिल्स भी जाना चाहिए। क्या रे, अनजाने में किया या जानबूझकर किया? बस हो गया और क्या। तू ऐसे बोल रहा है जैसे बॉर्डर पे सर्जिकल स्ट्राइक किया हो। कौन है वो बाजू वाला? नहीं कैसे जानते हो? हाँ पता नहीं कैसे जान गया मैडम। अच्छा तेरी ऐसी की तैसी ना, तेरी उससे जान पहचान, फिर भी मेरी बहन की शादी करवाई? तूने मेरे साथ पंगा लिया? मैडम आप एकदम लेडी गब्बर सिंह की तरह कड़क हो, कसम से आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब सच बताऊंगा। 10 जोड़ों की शादी करवाने के बाद ही मेरी शादी होगी, ऐसा है मेरे गुरुजी ने मुझसे बोला था मैडम। मतलब
आपकी बहन नंबर 9 थी। बस एक बच्ची है मैडम, करवा दूं तो मेरी शादी सेट हो जाएगी। अब तेरी इस जिंदगी में शादी ना हो ऐसी हालत करूंगी। चलो गाड़ी निकालो। अरे भैया क्या हुआ? नहीं वो बस। इस घर में किराए पर रूम मिलेगा क्या? किराए पे कोई घर नहीं है यहाँ पे। चल। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? कमीशन ले लेना यार। क्या? मेरे को दलाल समझता है तू? चल भाग। क्रेजी गाइस, मुझे कुछ नहीं पता। वो घर है, उसके बगल में मुझे घर चाहिए। अबे क्यों दिमाग पका रहा है? घर के बगल में तेरी लवर रहती है क्या? यस बोलूं तो मान लेगा क्या? हाँ हाँ रहती है। रहती है? लवर मतलब वो साथ में घूमना, आइसक्रीम वगैरह खाना या शादी भी करनी है? अरे प्यार शादी करने के लिए ही करते हैं। अच्छा ऐसा, तो तुम्हारा मिलाप करवाता हूँ मैं। पर किराया? अच्छा बकरा है, किराया तुमसे क्यों लूंगा? तुम कोई पराए हो, तुम तो मेरे भाई हो। तो फिर चले। Stay free, care free। हाँ, चलो। चलो। पता नहीं ये करता क्या होगा। क्या करते हो भाई? पेंटर हो भाई। अच्छा चूना लगाते हो? चूना नहीं भाई, तस्वीरें बनाता हूँ। कुछ भी बोलते हो, आर्टिस्ट हूँ मैं। ओके। थोड़ी तो इज्जत हो यार। दिस इज माई ड्राइंग रूम, यू कैन स्टे हियर। सामान उधर रख दो। अरे बाप रे, तू गिटार भी बजाता है क्या भाई? संगीत से दर्द कम होता है ऐसा सुना है मैंने, जरा शुरू कर। थोड़ा आराम मिलेगा, दवा का खर्च कम होगा। अरे बाप रे। टेलीस्कोप, ये क्या कर रहे हो भाई? जब तक अपनी लवर को ना देख लूं धड़कने नहीं चलती, वो मुझे हमेशा आंखों के सामने चाहिए। सीसी कैमरे की तरह उस पर नजर रखता है तू। आई लव द लव यू लव। एक बात बता, लड़की कैसी है भाई? कमाल की लड़की है। कमाल की है मतलब? अबे पहली बार देख रहा है क्या अपने लवर को? वो क्या है, इससे पहली बार देख रहा हूं ना, एक्साइटेड हो गया था। ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा है। तुम ऑफिस नहीं गए? तुमने अभी तक टिफिन नहीं दिया। अरे कैंटीन में देते हैं ना? हाँ देते हैं। गुड मॉर्निंग मामा। हाँ, जी मैं क्या कह रही थी? काहे का गुड, झेल रहा हूँ तेरी मामी को। थोड़ा सब्र रखो ना मामा जी, भागने का प्लान किया है, जल्दी भाग जाएंगे, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। क्या बात है, मैं निकला गड्डी लेके। क्या भाई, घट गया या बढ़ गया? एक घंटे में मार्केट तो बढ़ जाएगा। मैं शेयर मार्केट की बात नहीं कर रही, बीपी की कर रही हूँ। इतनी सुबह कहाँ पर? सुबह सुबह फ्रेंड के साथ मंदिर जा रही हूँ। तो चिंटू को अपने साथ ले जाना। आप सुन रही है ना मामी जी, अब ये चिंटू मेरी सिक्योरिटी करेगा, मुझे कुछ होगा तो ये मुझे बचाएगा। सच सच बता, कहाँ जा रही है तू? मेरी सहेली की शादी है ना, तो छोटी सी पार्टी है। हमारे लिए पार्टी नहीं? हाँ एंजॉय करो। तेरी मामा को ये सब पसंद नहीं है। ये सब मैं अपने कॉलेज के दोस्तों को नहीं बोल सकती, और आलिया को ये सब ऑर्डर्स पसंद नहीं है। चलती हूँ। अरे वो लोग जा रहे हैं, जल्दी कर। अरे अरे आगे 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 आगे, जल्दी 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 जल्दी। प्राइवेट ब्रू, क्या बात है, नई फिल्म की तरह लग रहा है, क्यूट है। फिल्म का नाम नहीं, कॉफी हाउस है ये। ओ क्यों मारा मुझे? मारे नहीं तो क्या करे, एक साल तक इसके साथ घूमा, और जब ये तुम्हें नई लड़की मिल गई, तो बिना कुछ बोले तुम इसके साथ घूमने लग गए। तो क्या बोल रहा है, ब्रेकअप बोल रहा है मुझे? क्वेश्चन कर रहा है। अरे ड्राई फ्रूट, अगर अचानक से इसे छोड़ देगा तो फिर इसे रोज रोज पिकअप ड्रॉप कौन करेगा बता? पिज्जा के लिए, पब के लिए पैसे कौन देगा बता? सिर्फ ब्रेकअप बोल देने में क्या तकलीफ है तुझे? ठीक है
ब्रेकअप। अब क्यों मारा मुझे? ओए, ब्रेकअप बोलने का राइट लड़कियों के पास है, लड़कों के पास नहीं। ए तू बोल ब्रेकअप। अब चल निकल। तुझे तो मैं देख लूंगा। अबे क्या सोचता है, तेरे डराने से डर जाऊंगी मैं? शूटर हूँ, उड़ा दूंगी तेरे को। ए चल चल, उनको बात करने दे। अब पोज बंद कर और निकल। हम्म, चल निकल। ड्राई फ्रूट। यस यस। ये तेरे से कैसे पट गए रे? भाई पटी नहीं, पटानी है। पटानी है? हाँ। उस समय तो कुछ और बोल रहा था। अरे भाई प्लीज 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 कुछ तो क्या करो, प्लीज, प्लीज। क्या प्लीज? कैसे फंस गया तेरे चक्कर में? ठीक है कुछ करता हूँ। ठीक है ओके। भाई तू जेंट्स है या एजेंट? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्यार के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लड़की की हर मूवमेंट हमें नजर आएगी। दीदी रूम में चलते हैं। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। ओए कोई घर पे तो नहीं आया था ना? कोई नहीं आया था दीदी। थैंक गॉड। क्या हुआ दीदी? साई और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है पता? हाँ दीदी, फेसबुक पर देख लिया हमने। आप सबने मिलकर उसे बहुत मारा ना? ए मैंने नहीं मारा, सबके सामने इमेज बनाने के लिए थोड़ा ड्रामा कर दिया। और पता है वो क्या बोला? तुझे बाद में देख लूंगा ऐसा बोला उसने। अब वो कहीं घर पर ना जाए। अरे दीदी इतना डर लगता है तो इतना बिल्डअप क्यों देती हो? तो फिर मैं क्या करूं बता? बचपन से कितना कुछ करना चाहती थी मैं, पर बचपन से ही सिक्योरिटी सेफ्टी के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाई। उस घर से लाकर इस घर में कैद कर दिया, मुझे वहाँ से यहाँ मामा के घर में छोड़ दिया। अब मेरी लाइफ में ना कोई बॉय है, ना कोई बॉयफ्रेंड है, और ना ही ब्रेकअप है। अब मैं समझ गई हूँ कि इस जन्म में तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए वो सब किया। तुम भी बॉयफ्रेंड बनाकर एक हैप्पी जिंदगी गुजारना चाहती हो है ना? ड्रेस चेंज कर रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। भाई अपनी आंखें बंद कर ले। मैंने कब की आंखें बंद कर रखी हैं? तेरी खुली हुई है, तू अपनी बंद कर ले। अरे बुलिया, तुझे जो काम सौंपा था उसका क्या हुआ? मैं तुझसे कुछ कह रहा हूँ, तू इधर उधर क्या देख रहा है? अरे 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 अरे, तुझे पता है तू क्या कर रहा है? अरे तू यहाँ ये सब कर रहा है? उधर तेरा भाई रिलीज होने वाला है और भानुमती अपना दबदबा बढ़ाने में लगी हुई है। अब भी वक्त है तुम्हारे पास, कुछ करते क्यों नहीं तुम लोग? उसने भतीजी की सिक्योरिटी के लिए भाड़े के टट्टुओं को हायर किया है। हैदराबाद के गुंडों को मैंने फोटो दे दी है, मालूम पड़ जाएगा कि कौन है उसका बॉडीगार्ड। जैसे ही वो मिलेगा ठोक देंगे उसे। कहाँ है ये आदमी? कैसे भी उससे बात करनी है, किसी भी तरह उसे पटाना है। किस तरह ये लड़की पटेगी कुछ तो आइडिया मिले। क्या हुआ रे? ओ ये तो क्या है ना, घर में थोड़े चोर घुस गए थे, उनके साथ थोड़ी हाथापाई हो गई उसी से। अच्छा क्या बकवास है? क्या है? एक रिकॉर्डिंग कर रही थी, कुछ बोलना। वो छोड़ना, सच में चोर आए थे? क्यों तुझे डाउट है? तुझे लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं यार, पर तूने अकेले मारा? हाँ मारना नहीं, उसे कहते हैं पीटना, धुलाई करना। ए कौन है तू? कौन मैं? मैडम की पड़ोस में रहता हूँ। रात में सो रहा था, ऐसे ही बाहर निकला, ऐसे ही तो दो चोरों को चिल्लाते हुए देखा, बचाओ बचाओ। वो भाग रहे थे और मैडम उनके पीछे भाग रही थी। अब वो लेफ्ट लेफ्ट में भाग रही थी ना? हाँ लेफ्ट में ही थी। और राइट हैंड से जो मार रही थी वो देखकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। एक को लात से और दूसरे को हाथ से, दुम दबाकर दोनों भाग गए। ऐसा मैंने फिल्मों में ही देखा है। वो कौन सी फिल्म थी? कर्तव्य। करेक्ट, मैडम ने हमें लाइव दिखा दी। अरे ठीक, कौन सी हो गया? अब तुमने मूवी देखी है क्या? पूरी की पूरी देखी। ए, लेट्स गो। आपके साथ एक सेल्फी मैडम। मैडम 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 सेल्फी प्लीज। चल भाग। करेक्ट बोला ना मैंने? कमाल का आदमी है यार तू भी। क्या हुआ दीदी, उस घर की तरफ क्यों देख रही हो? अरे पास वाले घर में एक आदमी रहने आया है,
और उसने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। मैं उसे ही ऑब्जर्व कर रही हूँ। ठीक है तो आप कर लो। कल मॉर्निंग में मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी। ठीक है ना काका? क्यों पुकारा? मुझे कुत्ते का बच्चा चाहिए। जो हुस्न कैसा है? आपकी तरह क्यूट और स्वीट। डोंट वरी हम जा रहे हैं। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुत्ते को वॉक कराने जा रही हो? नहीं इसे बुखार है, हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। बुखार चढ़ गया पिल्ले को? कौन से ब्रीड का डॉग है? आप जैसे पैसे वाले ग्रेड वेड देखते हैं, हम तो हार्ट देखकर अपना बना लेते हैं। कुत्ते का हार्ट? आपको बुखार हो तो आपके घर वाले केयर करेंगे, इसे फीवर हो जाए तो आप केयर करेंगी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर इस डॉग को फीवर हो जाए तो इसे गॉड भी नहीं देखता। इसे फीवर है ऐसा लग तो नहीं रहा। ए सुनो, मुझे फॉलो कर रहे हो ना तुम? नहीं नहीं, कोइंसिडेंस है। कहाँ जा रही है? हॉस्पिटल इस तरफ है, वहाँ नहीं। अरे सुनो, रुको तो। ए रुक। हाय किरण, कैसा है तू? नई गर्लफ्रेंड कैसी है? वाह 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 वाह, क्या एक्टिंग कर रही है देख तो। स्प्लिट पर्सनालिटी क्या रे? कॉफी हाउस में बहुत उछल रही थी तू, आज पूरे गैंग के साथ आए हैं, हिसाब बराबर कर देंगे। अरे ऐसी बात नहीं है किरण, मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ डांटा था ना, मारा तो उसने था। ओहो, मारा तो उसने था, लेकिन मुझे मारने के लिए उसे उकसाया तो तू नहीं था ना? जो भी हुआ उसे भूल जाना। मैं भी भूल गई हूँ, तू भी भूल जा प्लीज। क्या बोली? मैं भूल जाऊँ? कोई मजाक है क्या? बदला लेने आया हूँ, बिना लिए यहाँ से जाऊंगा नहीं। हे, किसके बारे में बात कर रहा है तू? पता ये एक मारेगी तो तू घूमता हुआ नजर आएगा। क्या रे, अपने एक्स्ट्रा चमचे को साथ लेकर आई है? नो नो किरण, ऐसा कुछ नहीं है। इधर आ रहे तू। तुम चुपचाप बैठो ना, मैं उसे शांत कर रही हूँ और तुम उसे भड़का रहे हो। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ए, पब्लिक प्लेस में मैडम खून खराबा करना नहीं चाहती, तू मैडम को भड़का मत। अच्छा, वो तुम चुप नहीं रह सकते क्या? आज मंगलवार है ये सोच रही हो ना तुम? मंगलवार हो, बुधवार हो, चुप रहो बस। आप बस में क्या डिस्कशन कर रहे हो? डिस्कशन चलने दे, फालतू में बीच में पढ़ने का नहीं, मैडम को भड़काने का नहीं, समझा? अब मुंह बंद कर। ओह, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ये फालतू की बकवास बंद करो प्लीज। मैं तो बस अपनी इमेज बनाने के लिए झूठी कहानियाँ कहती रही और तुम उसमें मेरा साथ देते रहे। अब झूठ को सच करें क्या? तुम ये सोच रही हो कि इन सबको मार मार कर गिरा दूं तो ऐसा ही होगा? हाँ? बताता हूँ। हाउ का नहीं रहेगा। बाकी के? मैंने अपने फ्रेंड से बहुत झूठ बोला है, उसका क्या? चलो उसको भी सच कर देते हैं। ओके। ओए, हाँ? ये प्रताप रेड्डी है ना, उसे समय से पहले रिलीज कर रहे हैं यार। अरे बाहर जाएगा तो? हाँ? भानुमति उसे छोड़ने वाली नहीं है। अरे उसे पता नहीं है। हाँ? वो जेल के अंदर रहेगा तभी सेफ है। ए, वो कहीं पे भी चला जाए, करनोल में वो सेफ नहीं है। ये सब क्या है रेड्डी साहब?
अरे पागल हो गया है तू क्या? ये क्या कर दिया? हम तुझे छुड़ाने के लिए दया अपील कर रहे हैं और तूने दो कैदियों को मार दिया। दो कैदी जेल में लड़के मर गए, ये न्यूज में आना चाहिए, लेकिन पब्लिक को यही पता चलना चाहिए कि मैंने इन्हें मारा। भानुमति की भांजी मिली क्या? हम लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। जेल में जो घटना हुई वो प्रताप रेड्डी से संबंधित है, आप क्या कहती हैं? फालतू बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। मैम, जेल के अंदर रहते हुए भी वो प्रताप रेड्डी ऐसी हरकतें कर रहा है तो बाहर आने के बाद आप उसका सामना कैसे करेंगे? उसके बारे में इतना सोचने के लिए हम फ्री नहीं हैं। हमारा पूरा ध्यान इस राज्य की प्रगति करने पर है। मैम, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रताप रेड्डी से डर रही हैं? ए, उससे क्या डरने का, वो इधर आएगा तो मरेगा। मेरी बात को सब लोग लिख लो, उसे जिंदा या मुर्दा जो भी लेकर आएगा उसे 10 करोड़ मिलेंगे। भाई अभी गुस्से में है, फिर से बोल रही हूँ, उस प्रताप रेड्डी को इस राज्य में कदम रखने का कोई अधिकार नहीं। आप लोग जा सकते हैं। चलिए अरे फोटो देखना। आद्या, तुम्हारी बुआ का फोन है। हाय बुआ जी। कैसी हो तुम बेटी? बहुत अच्छी हूँ। तुम्हारी बर्थडे की शॉपिंग हो गई? कब की हो गई? कल तुम आ सकती हो क्या बेटी? कल बुआ? कल तो मेरी फ्रेंड की मेहंदी है। बाय द वे, कल क्या है बुआ? कल कॉलेज का ओपनिंग डे है ना बेटी, इसलिए मैं नहीं आ सकती। ठीक है बुआ जी। हाँ, पर मेरी तरफ से तुम विश कर देना। ठीक है, बाय बुआ, लव यू। देख 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 देख, देख। आलिया, देख तो जरा, देख देख, ये कोई इत्तफाक नहीं है, जानबूझ के फॉलो कर रहा है। वो तुझसे लव करता है क्या? वैसे उसका तो पता नहीं, पर मैं जरूर करती हूँ। तू इतनी जल्दी कैसे मान सकती है? पहले उसके दिल में क्या है ये पता लगा। चलो उसे फोन करते हैं। नहीं, चल चल चल, लगा लगा लगा, प्लीज, क्या कर रही है? हेलो बालू, मुझे तुमसे एक बार मिलना था। मुश्किल है, एक छोटे से काम से बाहर जा रहा हूँ। प्लीज बालू। सॉरी आलिया, सिटी सेंटर में एक छोटा सा काम है। क्या? एक्चुअली मैं भी वहीं जा रही हूँ, तुम्हारा काम होने के बाद मिले। ओके। यस। भैया, लेट्स गो टू सिटी सेंटर। नो थैंक्स, मैं नहीं आता। व्हाई? सेंटीमेंट, एक बार मैंने आर्ट एग्जीबिशन रखी थी, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई, इसलिए। भाई के लिए भी नहीं? भाई के लिए तो छोड़, भाभी के लिए भी नहीं आऊंगा। तो तू तो जा 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 रे। तुम्हें ट्राई करी थी, कहाँ थे, लेट क्यों हो गए? वन सेकेंड। पकड़ो इसे, पकड़ो ना। थैंक यू, सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। कहाँ चले गए थे? वाटर बॉटल। चलो, मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। हाय बालू। क्या बात है, लड़कियों ने पंचायत रखी है। बालू बालू, यहाँ आओ ना। आलिया, तुम वहाँ जाकर बैठो। बाबू बालू, ये क्या है? हे, तुम और आलिया, फोटो अच्छी है। फोटो तो अच्छी है, पर पीछे तुम और वो कार्टून क्या कर रहे हो? सोचने वाली बात है, हमारी फोटो में तुम लोग क्या कर रही हो? ए, तुम लोग उस दिन वहाँ क्या कर रहे थे? वो क्या है, मैं और भैया काम पर जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हाँ, समोसा, उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसको समोसा बहुत पसंद है ना। सीधे पॉइंट की बात करते हैं, क्या तू प्यार करता है? ये क्या बात कर रही हो तुम? ए, चुपचाप बता दे वरना। शशि रेखा देवी, देवी शशि रेखा, मेरे नाक के ऊपर उंगली रखकर मुझे यहाँ इस मॉल में बुलाकर मुझसे फ्लो में कुछ भी बुलवाना चाहती हो? अपने इस बेकार शक्ल को लो और जाओ, निकलो। अरे वो बोलेगा नहीं, बुलवाना पड़ेगा। अब तू ही देख ले। तो ठीक है, मैं ही बोल देती हूँ।
अरे हम गर्ल्स हैं, थोड़ा मेंटेन रखना पड़ेगा। नहीं आऊंगा बोला था ना? कब बोला था? फ्रेमिंग मस्त है, सभी लड़कियां लाइन में खड़ी हो जाओ। आज भाई का बदला पूरा होगा। इसको नहीं पकड़ते तो बदला कैसे पूरा होता? जिसके पीछे वो जाएगा ना, वही लड़की भानुमति की भांजी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, भानुमति के आदमियों का कहना है कि प्रताप रेड्डी को जो कोई जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसे 10 लाख का इनाम देने की घोषणा की गई है। कोई मेरा दर्द तो सुनो। दीदी तुम उससे प्यार करती हो और कहूँ या ना कहूँ ये सोच रही हो ना? हमारे घर के लोग बहुत टेढ़े हैं ना, मानेंगे नहीं। कोई माने या ना माने, बस किसी तरह बुआ मान जाए, भगा के मंगलसूत्र बंधवा लूंगी। बाप रे, मैं आपको फॉलो नहीं करूंगी। चुप कर। Cheers. अब बोल, क्या बोल रहा था? बापू, उस लड़की को रोज सुरक्षा देने के लिए 2 लाख रुपए दे रहे हैं, जिससे उसकी शादी होगी उसे कितना देंगे? अब उसकी लीला से हमें क्या लेना देना? कुछ नहीं बापू, उस लड़की पर दिल आ गया है। लाहौल वेला कुवत। बेटा, उसे जबान दी है हमने, किसी हालत में इज्जत ना जाए। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मजाक कर रहा हूँ। अरे ऐसी बातों पे मजाक होता है क्या? मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। पैसा खर्च हो जाता है, प्यार मर जाता है, सिर्फ नाम जिंदगी के बाद रहता है, समझा? खूबसूरत है। चलो चलो चलो, चलिए चलो, टाइम हो रहा है। चलो। रुको 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 रुको, चूड़ियां खरीदनी है। अल्लाह के नाम पे दे दो भाई, एक चाय देना। अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो भाई, अल्लाह के नाम पे दे दो। रोज मांग कर कितना कमा लेता है? 100-200 का धंधा कर लेता हूँ। नाम क्या है तेरा? मुन्ना। एक और शून्य लगा ले, ये रख ले। अरे साहब, क्या ग्रेट आदमी हो, दिलदार आदमी हो, हमेशा खुश रहना। कहाँ जा रहा है? मैंने तुझे पैसे पुण्य कमाने के लिए नहीं दिए, अपना दुख बांटने के लिए दिए। आपको क्या दुख होगा बाबू? बालू, बालू, ओए, कैसी है? खरीद लो। लड़की कैसी है? अरे बाबू, ये 2000 की नोट की तरह एकदम कड़क है। यही तो मेरा दर्द है। 24 घंटे उसके साथ रहना है लेकिन उसे दिल नहीं दे सकता। आपका ये मैटर पल्ले नहीं पड़ा बाबू। ओए, ये मैटर तेरी समझ में नहीं आएगी। अब कटोरे में 1 लाख रुपए डालकर तुझे कहे कि उसे खर्च नहीं करना तो कैसा लगेगा तुझे? अरे बाप रे, बहुत मुश्किल है बाबू। अगर सही बोलूं तो ये बहुत टफ कंडीशन है बाबू। बस यही मेरा दर्द है। अरे अल्लाह के नाम पे दे दो बाबू। अरे अल्लाह के नाम पे कोई, सॉरी बाबू। कॉन्सेंट्रेट कर यार, ये मेरा दर्द है। अरे ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये कैसा दर्द है? जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग एट माय ऑब्जर्वेशन। आप उस लड़की से प्यार करते हैं, है ना? हो गया तेरा, अब निकल। ठीक है बाबू, हैव ए गुड डे। अरे भाई, हॉस्पिटल चलो, जल्दी जल्दी। क्या हुआ भाइयों, बच्ची को लेकर जा रहे हो? बच्चे को लेकर नहीं जाओगे? अबे सांड, तू इस गैंग का लीडर है। हे महेश, फोड़ दे इसको। इन लोगों को पैसे दिए, इस अकड़ में तूने ऑर्डर तो दे दिया लेकिन इसकी अकड़। ए, तुम लोगों को कितना देता है ये रोज का? 10,000। 10,000 में तुम लोग इतनी सिंसियरिटी दिखा रहे हो? बाप रे बाप, रोज का 2 लाख लेता हूं, मुझ में कितना डेडिकेशन होगा? इधर आ। देख, मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन सच बता,
क्या तू मुझे मार सकेगा? नहीं भाई। तो फिर क्यों कर रहा है एडवेंचर? तू सही है, रेगुलर सिनेमा गुंडों की तरह आप उनके बीच मुकाबला हो सकता है, और ये भी मेरे तीन चार मुक्के खा सकता है। काका आपको क्या हो गया? क्या है रे भाई, रात को क्वार्टर थोड़ा ज्यादा हो गया। छी 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 छी, फाइट करने का मूड ही खराब कर दिया। क्यों भाई, बाबू गया? भाई लड़की नहीं है, उसका पीछा करो। इनवाइट कौन है? लिफ्ट मांग रहा है, लेकिन एटीट्यूड तो देखो, जैसे अपने बाप की गाड़ी समझ रहा हूं। करनूल जाना है। बीच रास्ते में खड़े रहे तो ऊपर जाओगे। अर्जेंट है, मुझे 1,00,000 दूंगा। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं, बैठिए ना। ये कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है सर, डिहाइड्रेशन हो गया है, बेहोश हो गई, धूप ज्यादा है ना। इतनी सी बात के लिए 1,00,000 दे रहा है? इसको उठा लूं तो कितना मिलेगा? रियल एस्टेट वाला लगता है। सर डीमोनेटाइजेशन होने के बाद रियल एस्टेट ठीक है ना? मुझे क्या पता। आपका नाम? प्रसाद राव। पॉज लेकर नाम बोला, ये इसका असली नाम नहीं है, कहीं तो देखा है इसे, पर कहां? चाहे कुछ भी हो जाए, भानुमति के आदमियों का कहना है कि प्रताप रेड्डी को जो कोई जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा। सर आपने क्या नाम बताया? बोला ना, प्रसाद राव। ये तो प्रताप रेड्डी है, प्रताप रेड्डी है ये। क्या हुआ तुम्हें? एसी भी नहीं चल रहा, कितनी कड़ी धूप है, आपको पसीना आ रहा है। पहुंच लीजिए सर। अबे प्रताप रेड्डी, तेरा ये गेटअप मेरे सामने नहीं चलेगा। तो भैया चलें? कौन है बे? लिफ्ट चाहिए। पूछकर चढ़ना चाहिए। पूछने से कोई लिफ्ट तो देता ही नहीं, इसीलिए बिना पूछे ले लेता है माधव राव। वो कौन है? द ग्रेट डिस्कवरी चैनल फोटोग्राफर मिस्टर माधव राव। इट्स मी। पता नहीं ये चैनल वाले ऐसे गधों को क्यों पालते हैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी ड्यूड। ऊपर से ड्यूड भी बोल रहा है। hey, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी पद्मश्री लेना बाकी है। पद्मश्री? yeah. वो तो सेलिब्रिटीज को मिलता है ना। हेलो, सेलिब्रिटीज को पद्मश्री नहीं मिलता है, पद्मश्री मिलने के बाद आदमी सेलिब्रिटी होता है। अवार्ड कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता तो बात मत करो। वैसे ये कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ। चक्कर खाकर गिर गई थी, और उस गधे ने आपकी तरह मुझसे लिफ्ट मांगी और बेहोश होकर गिर गया। पहली बार देख रहा हूँ किसी गधे को इस तरह सोते हुए। वैसे तुम करते क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट जॉब। कहाँ जाना है? प्रकृति प्रेमियों को जगह से मतलब नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट जर्नी ड्यूड। भाई बात क्या है, कुछ परेशान लग रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं। हाँ। कोहिनूर डायमंड जैसी चीज मिली है, उसका क्या करूं ये सोचो। सोचो मत, बेच दो। क्या कहा? अगर जल्दी नहीं बेचोगे ना तो उस डायमंड को कोई तुमसे चुरा कर ले जाएगा। गुरुजी, हाँ, आपने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। स्टैंडिंग संभाल। ओके, अभी पद्मश्री लेने वाला हूँ भाई। सिगरेट पीते हो? मुझे आदत नहीं है। मुझे आदत है भाई, तुझमें तो बहुत स्पार्क है। मुझे कुछ काम है। लेकिन मुझे कोई काम नहीं। मेरी हेल्प करोगे? श्योर। वादा करते हो? बिल्कुल।
गुरुजी, मेरी मदद करने का समय आ गया। अच्छा, उतरिए। बात क्या है? उतरिए, बताता हूँ। जरा इसे पकड़िए। अब क्या करना है ये तो बताओ। जरा इसे तो पकड़िए। पता नहीं क्या खाता ये, बहुत भारी है। गुरुजी, ये फिसल रहा है। 3 सेकंड रुको, मैं रस्सी लेकर आता हूँ। किसी भी काम में परफेक्शन होना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आता। ये आदमी कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे इसके बारे में जानने की इच्छा हो रही है। अरे भाई, इसने तो सिर्फ लिफ्ट लिया था और तुम इसे बांध रहे हो, असल कॉन्सेप्ट क्या है ये तो बताओ। हेलो, लाइन पे नहीं हो क्या? वो क्या है? लगता है तुम नहीं बताओगे। मैं काम करता हूँ, इसी से पूछ लेता हूँ। सुनो भाई, तुम लोग, मार डालूंगा। तुमने ये इसलिए किया ना ताकि ये चिल्लाए नहीं? यस यस। तो बताओ भाई, बताओ भाई तुम कौन हो? बताओ बताओ, सब क्लियर होना चाहिए। बताओ क्या भाई, तू बोलता क्यों नहीं? क्या तू कोई दबंग है? कहीं का महाराजा है? तेरी कोई रियासत? गुरुजी रुकिए, मर जाएगा। तो बताना कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बाद में, पहले अपना फोन दो। यू गिव लिफ्ट, आई गिव फोन, कैरी ऑन। उसकी पैंट पे क्यों हाथ डाल रहा है? नंबर लेने के लिए। ओके ओके, आप ज्यादा सोचिए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग सब देख लेंगे। किसका फोन है? हेलो हेलो, कौन है? मैडम है क्या? मैडम तो मीटिंग में गई है, तू कौन है? तू कौन बोल रहा है भाई? मैं मस्तान बोल रहा हूँ, आखिर बात क्या है? तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। क्या है वो? प्रताप रेड्डी। वो तेरे पास है क्या? हाँ बड़े भाई, मिल गया है वो, यहीं पर पेड़ से बांध कर रखा है। तेरा भरोसा कैसे करें? गुरुजी, जरा इसका मुंह खोलिए। डॉक्टर मस्तान लाइन पर है, बात करो। ए मस्तान, आएगा तो मरेगा। अरे पागल, डॉक्टर को मारने की बात कर रहा है? कहां पर हो तुम लोग? एक बात बताओ, प्रताप रेड्डी को पकड़वाओगे या मारोगे तो 10 करोड़ दोगे? ये न्यूज सच है या जोक? सच है। तू अभी कहां पर है? माधवपुर क्रॉस करने के बाद रंगापुर आएगा। रंगापुर क्रॉस करने के बाद मुझे फोन कर लेना भाई। ठीक है, हम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। ए भाई, इस पागल के लिए 10 करोड़ देने वाला पागल कौन है? असल में कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट जानने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। भाई इस पागल की क्या कहानी होगी? दो राज्यों को हिलाकर रख देने वाला ये गुंडा है। ओ, कौन? वो प्रताप रेड्डी है जो इस वक्त जेल में है। हाँ? मतलब आई शो यू द विजुअल्स। ये बात है गुरुजी, उसकी बदकिस्मती और अपनी किस्मत, वो हमको मिल गया। हम अच्छे लोग हैं, उसे मारेंगे नहीं, उसे जिंदा लौटाकर पैसे ले लेंगे। बस यही है कॉन्सेप्ट। ये हमको हमको क्या कर रहे हो भाई? जो भी किया तुमने किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं जा रहा हूँ। ठहरो गुरुजी, ये सारे सीन का कॉन्सेप्ट डिजाइन तो आप ही का था, बीच में छोड़कर जा रहे हो, मदद नहीं करोगे? आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो क्या? जो मदद करूंगा, माफ करो मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ, वो मस्तान 100 लोगों को लेकर आ रहा है, वो आपको फोन करेगा। आप कहोगे मैं यहाँ हूँ, फिर वो आपको ढूंढ निकालेगा और आपको वो काट कर रख देगा। तुमने तो मुझे फंसा दिया भाई, अब क्या करना है? वेट करना है। तुमने तो कहा था नहीं पीते हो। आदत नहीं है, ये तो टेंशन में हूँ इसलिए। आदमियों का सौदा करने वाले को भी टेंशन, सीधा साधा समझकर मैं इसकी बात मान गया। अरे गुरुजी, वो 100 लोगों को लेकर आ रहा है और ये 100 के बराबर है, ये सब कैसे मैनेज करूंगा ये सोच रहा हूँ। क्या क्या क्या? वो मस्तान यहाँ आएगा, इसको दे देंगे, वो हमें 10 करोड़ देगा, हम बैग लेकर चले जाएंगे, वो इसे मार देगा, सिंपल। पहले पैसा, फिर उसके बाद आदमी, जो भी करो उसमें परफेक्शन होना चाहिए। गुरुजी, यू आर बैक। कहीं ये हमें ना बैक कर दे। अरे गुरुजी, ये कहाँ जाएगा, ये तो यहीं रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? वो लोग इसे सच में मार देंगे ना? एक काम करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, लाइव मर्डर देखेंगे। पागलों जैसी बातें कर रहे हो, इसका 10 करोड़ देकर क्या इसकी पूजा करेगा? बिल्कुल सही, वो जो सो रही है जब उठेगी तो उसे क्या जवाब दोगे? पॉइंट है गुरुजी। गुरुजी, हाँ? आप कुछ पी रहे थे ना, क्या मैं वापस जाकर वो ले आऊं? तुम इसके साथ मुझे अकेले छोड़ना चाहते हो? अरे भोले भाले इंसान को सताना अच्छी बात नहीं है, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। बिना पूछे गाड़ी में बैठा इसी का बदला ले रहे हो ना? एक घंटा सेफ है गुरुजी, किस गहरी सोच में डूबे हो,
कुछ खास नहीं भाई, मरने वाले का फेस एक्सप्रेशन अपने कैमरे में कैद करना चाहता हूँ। देर किस बात की, शुरू हो जाइए। hey, hey, चेहरा इधर उधर क्यों कर रहा है? hey, तेरा फेस बहुत फोटोजेनिक है, फिल्टर करने की भी जरूरत नहीं। ये फोटो अगर कोई बड़ा डायरेक्टर देख लेगा ना तो फौरन तुझे अपनी फिल्म में ले लेगा। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। hey, अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो मैं मस्तान के आने का भी इंतजार नहीं करूंगा। ये डील क्या है तुझे पता है? लाइव और डेट 10 करोड़। काट दूंगा बकरे की तरह, तुझे काट दूंगा। अरे वो मस्तान तो अभी तक नहीं आया। उसी का फोन है। हे पागल, तेरी मौत की घंटी बज गई। देखो इस दुनिया में जो भी आया है एक ना एक दिन उसे जाना ही पड़ता है। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा जिंदा रहती है। तो भाई हैप्पी जर्नी प्रताप रेड्डी, बाय। कहाँ है वो? यहाँ है। कहाँ है वो? गुरुजी पैसे लाया क्या पूछे? तुम भी तो पूछ सकते हो। तुम्हारी आवाज में दम है ना। पैसे कहाँ हैं? मेरा बॉस पूछ रहा है पैसे कहाँ हैं। बॉस? ये बॉस कौन है? अरे बिल्डअप करना पड़ता है। बिल्डअप के लिए कहा? पैसे दिखाओ। लेके आओ। पैसे अंदर रखने के लिए कहो। तुम भी तो बोल सकते हो। यू आर द बॉस गुरुजी, भूल गए? पैसों को डिक्की में रख दो। जा रहे। हे भाई, मुझसे एक्शन करवाने का डायरेक्शन बहुत अच्छा कर रहे हो। पैसे मिल गए ना? कहां पर है वो? वहां उस पेड़ के पास। गुरुजी तुम सुपर हो, अब चलो। ए, चलो मारो उसे। मुझे अभी भी बहुत आश्चर्य हो रहा है, उस प्रताप रेड्डी को हमने फालतू में तो नहीं बेच दिया? उन लोगों ने जो पैसे दिए वो ओरिजिनल तो है ना? गुरुजी अब कंफ्यूज मत कीजिए, पहले बोलना चाहिए था पैसे चेक करके लेते। बालू, एक आदमी दूसरे आदमी को कैसे मार सकता है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। ये क्या है? मुझे पता था आपको ये भाषा समझ में नहीं आएगी। मस्तान का फोन है, जरूर वो पार्टी मांगेगा। हाईवे पे ड्रिंक और ड्राइव दोनों गलत है, ऐसे लोगों से रिश्ता सही नहीं है। बात करो। हेलो, सुनो, एक बड़ी गलती हो गई है, वो हमसे बचकर भाग गया है। अबे पागल, बार बार बदला बदला बोलने से कुछ नहीं होता। 25 लोग थे तेरे साथ। हे, ज्यादा मत बोल, उसे तो हम मार कर ही रहेंगे। बालू क्या हुआ? कुछ नहीं, वो प्रताप रेड्डी बचकर भाग गया। तो अब क्या? अब क्या, आपने उसे लात मारी, वो नीचे बैठ गया, हम लोग आ गए और वो लोग वहां गए, फिर वो प्रताप रेड्डी छूट गया, उसने सब लोगों को मार दिया और हम लोग हाईवे पर आ गए, बचे सिर्फ हम दोनों। क्या हुआ गुरुजी, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? गुरुजी
कुछ ठंडा पीते हैं। भालू क्या हुआ? क्या हुआ? सत्या ने खाना खाया ना? हाँ खा लिया। हेलो, आलिया बेबी कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा। आज उसकी छुट्टी है ना, तो वो अपनी सहेलियों के साथ पिक्चर गई है। ठीक है, उसे आते ही मुझे फोन करने के लिए कहना। हाँ हाँ ठीक है दीदी। भानुमति जी से बात करनी है। आपको दिख नहीं रहा, वो बिजी हैं। आइए बैठ जाइए। ठीक है चलते हैं हम लोग। नमस्ते भानुमति जी। नमस्ते। लगता है आपको जनता से बहुत ज्यादा प्यार है। बड़ी पार्टी के लोग आते हैं तो उनकी ओर ध्यान ही नहीं देती। मुद्दे की बात करो। वैसे आपको तो पता ही होगा कि जेल से प्रताप रेड्डी किसी भी वक्त रिहा हो सकता है, और ऐसे समय में हमें लगता है कि आपको हमारी पार्टी की मदद जरूर पड़ने वाली है। किसे किसकी जरूरत है ये पता चल जाएगा। मैं समझ सकता हूँ, इतनी जनता है तो अहंकार भी होगा, लेकिन कल जब वो बाहर निकलेगा तो पहले जनता पर बरसेगा, उसके बाद वो अपना हाथ आप पर आजमाएगा। ये सोचकर आपको जरा भी डर नहीं लग रहा है? हमें अपनी रक्षा कैसे करनी है हम जानते हैं, अब आप जा सकते हैं। वो डर क्या है ये उसे बताना, क्योंकि क्षमा की भीख कोर्ट दे सकती है, ये राज्य नहीं। उसने जैसे ही कदम रखा क्या हो गया? आप अकेले कैसे हो? जनता को पता ही नहीं कि आप आ गए हो। भाई यहाँ नजदीक ही मेरा एक फार्म हाउस है, वहां चल के बैठ के आराम से बात करते हैं। TS07PN7777 इस नंबर की गाड़ी में तीन लोग थे, वो मुझे चाहिए। भाई सब मिल जाएंगे, अभी तो यहाँ से चलिए आप। क्या इतने कम वक्त में इतना कुछ हो गया? छोड़ो उससे मुझे क्या, मुझे तो मजा आ रहा है। बालू ये सर कौन है? हाँ? सर इंटरनेशनल लेवल के आदमी हैं, बहुत बड़ी चैनल के तोप हैं ये। हमें रास्ता दिखाने वाले, मुसीबत से निकालने वाले भगवान हैं ये। ए भाई तेरी तारीफ भी ना मुझे गालियां जैसी लग रही हैं। बालू स्टॉप। बालू अब मैं चलता हूँ। कैसे जाओगे? अरे कोई भी गाड़ी पकड़कर चला जाऊंगा। सारा रिस्क मेरा, तुम्हारा कुछ नहीं। रिस्क क्या है, बेचा तूने और पैसे भी तूने लिए। अभी तक हम करके बात कर रहे थे, अभी तू ये सब जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस प्रताप को गाली तुमने दी, उसे बुरी तरह मारा भी, बेचारे को थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट दी तुमने, और वो पागल है बोलकर सर्टिफिकेट मैंने दिया। बालू तू तो मुझे डरा रहा है भाई। वो सब छोड़ो, पहले अपना फोन दो। किसे फोन करना है? रघुनंदन भवानी नाम की एक तोप है, उसे करना। बालू तू सिर्फ तोप लोगों से ही बात करता है या नॉर्मल लोगों से भी? पकाओ मत, फोन दो यार। डबल 9 3 4 4 बापू, ये बापू का नंबर क्या था? तुझे बात भी करनी है और नंबर भी याद नहीं? अरे वो पार्सल है, उसे यहाँ लेकर जाना है या वहाँ लेकर ये तय करना है। क्या कहा पार्सल? वो तेरी लवर नहीं है? वो मेरी क्लाइंट है। क्लाइंट? उसकी जान खतरे में है और मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ, अगर उसे कुछ हो गया तो 2 लाख का नुकसान है मेरा। देखो ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसे पता है? नहीं,
उसे पता नहीं हम पर अटैक हुआ है और हम उससे बचने के लिए यहाँ आए हैं। अरे बाप रे, ये तो एक अलग कहानी है गुरुजी। हाँ? वो दिखाई नहीं दे रही, चलो ढूंढते हैं। अब ये भी करना पड़ेगा। थैंक यू। पैसे दीजिए ना। उनसे लूं? तुम इतना प्यार क्यों करते हो मुझसे? हे बेबी, सपना देख रही थी? देखा अंकल, ये मुझे कितना प्यार करता है, पागलों की तरह पीछा करता है। हाँ। एक मिनट ना दिखूं तो बिल्कुल बेचैन हो जाता है। वो तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, उसे सिर्फ पैसों से प्यार है। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे घर वालों ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हेलो, अब समझ में आया वो क्या है? तुम्हारा बॉडीगार्ड है। जैसे ही तुम पर अटैक हुआ उसने तुम्हें बचाया और यहाँ पर ले आया। पैसों के लिए बॉडीगार्ड बनकर आए हो? तो मुझे प्यार नहीं करते? नहीं। I hate you. क्या हुआ बालू, उसने तुम्हें इतना सुनाया और तुमने कुछ नहीं कहा? अरे जब जोर से लगती है ना तो चेहरे के एक्सप्रेशन यही रहते हैं। चलो अब जाओ यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। अरे मैडम रुकिए, मेरे पैसे। कौन से पैसे? आइसक्रीम के पैसे जी। कहाँ है ये? यही है जिंदगी। ये तीसरा वो नहीं है। अब मेरे पैसे। अरे तू रुक भाई। नमस्ते सर। कहाँ है वो? उसे सूसू लगी थी, वो बगल में गया और मुझे नहीं लगी थी, इसलिए मैं आपके पास हूँ सर। सुनिए, हेलो। हाँ? मेरे पैसे का क्या हुआ? अच्छा, ये बात तो पहले ही बोलनी चाहिए थी। तुम इंतजार करवाई। ए भाई, मेरे पैसे दे दो, वहाँ मेरा धंधा चौपट रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। 100 रुपए के लिए अपनी जान दे देगा क्या? चल जाओ उधर बैठ, चल जा। सर हमें माफ कर दो सर। सर वो नया है सर, उसे कुछ नहीं पता है। ऐसे कह रहा है जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। hey, वो है कहाँ? सर हैदराबाद में रघुनंदन नाम का कोई तोप है सर, उसे फोन करना है, ये कह के उसने मेरा फोन ले लिया। आप एक काम करो, उसे फोन करके बता दो कि हम यहाँ पर हैं। नंबर बोल उसका। बोल प्रताप डार्लिंग। hey, अगर गर्लफ्रेंड और पार्टनर जिंदा चाहिए तो यहाँ मरने के लिए आ जा। ठीक है, आ रहा हूँ मरने के लिए। मेरे आने तक मेरी जान पर मक्खी भी नहीं बैठनी चाहिए। भाई लंच में मुर्गा कटवा लूं क्या? बकरी बकरी की तरह काट डालूंगा। सर जो भी मैंने कहा था उसे अपने दिमाग में मत रखिएगा। सर ये टेंशन में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, प्लीज सर। लीव मी सर, प्लीज सर। क्या बकवास कर रहा है? जरा इधर आ, अब बता क्या है तेरी कहानी, उसने मेरे भांजे के साथ क्या किया? सर हाँ। मैं एक प्रकृति का प्रेमी हूँ सर। मैं उसकी गाड़ी में ट्रेवल करके ट्रबल में आ गया। मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा है सर। उस गाड़ी में पहले से ही प्रताप सर बेहोश पड़े हुए थे। हाँ? फिर उसने सर को बांध कर मस्तान को फोन किया और उसे बुलाकर 10 करोड़ में सर को बेच दिया। इसकी तो प्रताप सर बहुत ग्रेट हैं। हाँ? उन्होंने सबको मार दिया और हमें यहाँ पर बुला लिया। अरे रे, ये क्या किया तुमने? जो किया उस बारे में प्रताप रेड्डी को पता है? अब ये बात तो मुझे नहीं पता सर। किसी से भी मत कहना, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये कोई रामायण है सर? हाँ? जो मैं सबको बोलता। अच्छा ये बता, जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी तो कोई गलती नहीं, फिर तेरे पसीने क्यों छूट रहे? अब मैं आपको क्या बताऊं सर, गलती है भी और नहीं भी। असल में ये हुआ था सर। इसी से पूछ लेता हूँ, क्या तो कोई दबंग है? मुझे तो तू कोई मवाली जैसा दिख रहा है। अरे ये करके तू जिंदा है, किस्मत तुझ पर मेहरबान है। और ये कितनी देर तक रहेगी? जब तक वो आ ना जाए तभी तक। केशव को फोन लगा। फोन नहीं उठा रहा भाई। अरे सुनो, वो लड़की मिल गई है ना, कहाँ रखा है उसे? फोन लगाओ। मुझे वो चाहिए मामा, 15 सालों का बदला।
अपनी धाक फिर से बनानी है। भांजे मेरी बात सुन, तू समय से पहले जेल से बाहर आ चुका है। अगर ये बात भानुमति को पता चल गई तो हमारे पूरे प्लान पर वो पानी फेर सकती है। हमें होशियार रहना होगा। उसे मालूम नहीं होता तो अपने चमचे को नहीं भेजती, बस एक बार जंगल में आ जाए उसकी कहानी वहीं खत्म कर दूंगा। उसकी लड़की का पता लगाओ। बेबी, एक्सीडेंटली हम लोग मिले तो हमें इतना टॉर्चर कर रहा है, और जिसे ये सालों से ढूंढ रहा है, अगर वो बच्ची मिल गई तो उसका क्या होगा? अंकल, हाँ? आपको एक बात बोलनी है। पहले ये बताइए आपका हाथ कहाँ है? इधर है। जरा उसको जोर से पकड़िए। पकड़ लिया। वो जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं ना, वो मैं ही हूँ। ये तो एक अलग ही ट्विस्ट है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे और उसके बीच क्या दुश्मनी है? वो एक लंबी कहानी है, बताऊं क्या? ओ नहीं बेबी, जब से गाड़ी में बैठा कहानी सुन सुन के पक गया हूँ। अब ये सब छोड़ो बेबी, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि उसके सामने बैठकर आराम से बात कर रही हो? हिम्मत बढ़ाने के लिए बालू है ना अंकल। देखिए आ गया बालू। भाई मार डालें क्या? 5 मिनट के लिए उसे मेरे पास छोड़ दें। मौत का डर क्या होता है, उसे ये बात पता चलनी ही चाहिए। बालू। 3 मिनट, 3 मिनट में तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ। 5 मिनट में तो तू मरने वाला है, 3 मिनट में कैसे लेकर जाएगा? हेलो, जिसने भी मुझे मारा उसे कहानी पता है क्या? हमें तेरे कहानी से क्या लेना देना? तो फिर 3 मिनट हम अकेले में बात कर लें, वरना हाँ हाँ ओके, आ जाओ अकेले में बात करते हैं, आ जाओ। मुझे तुम ये बताओ, उसे 3 मिनट में कैसे ले जाओगे? वही सोच रहा हूँ मैं मामा। मामा? तो मैं भी तेरा मामा हो गया। हाँ मामा, जब से आप लोगों का फोन आया तब से सोच रहा हूँ उसे कैसे लेके जाऊँ, कैसे लेके जाऊँ, एक भी आइडिया नहीं आया मामा। इस लोकेशन पर आने में 20 मिनट लगते हैं, मुझे आधा घंटा लगा। लेकिन क्यों? बात तो सुनो मामा, जब मैं आ रहा था रास्ते में सिर दर्द होने लगा, गाड़ी रोककर चाय पी, फिर भी कोई आइडिया नहीं आया। जल्दी बोलना जो कहना है। अच्छा आप जल्दी में हैं? वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मैंने भी खेला। फर्स्ट बॉल पे बोल्ड किया मामा। तब मेरे बापू की बात याद आई, बेटा जब भी तुम कोई खेल खेलो तब सामने वाले के बारे में भी सोचना। तो मैंने अपनी तरफ से सोचा 1% चांस भी नहीं कैसे हो सकता, इसीलिए आप लोगों की तरफ से सोचा। तब जाकर एक कमाल का आइडिया। कौन सा आइडिया? ईगो। वो जो इंसान के पास सबसे बड़ा होता है उसी का इस्तेमाल किया, ईगो का। कैसे इस्तेमाल किया? जरा टीवी लगाना मामा। प्रताप रेड्डी का मतलब है एक डर, और उसी प्रताप रेड्डी के लिए एक समाचार। कल जेल से छूटने वाले प्रताप रेड्डी के लिए एक अनजान आदमी ने हमारे स्टूडियो में फोन करके कहा कि कुछ देर में वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। आगे की जानकारी विस्तार से जानने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। 25 तारीख को तुम छूटने वाले थे पर अपना दिमाग लगाकर आज ही छूट गए। लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब कि तुम मुझसे मिले। वैसे किस्मत अच्छी थी कि तुम मौत के मुंह से बचकर निकल आए। बचने के बाद तुम्हें सीधा घर जाना चाहिए था, पर महबूब नगर में मुझसे मीटिंग रखकर मुझे उकसाया, और इसी वजह से अब मुझे गुस्सा आया है। देख लेना, अब मैं सबको फंसाऊंगा। कैसे फंसाएगा? अरे कैसे मतलब, यही फोन से स्टूडियो कॉल करूंगा कि प्रताप डार्लिंग जेल में नहीं मेरे पास है। अब पूछोगे कैसे, मेरे गुरुजी है ना, मेरे गुरुजी ने विजुअल्स लिए हैं, यही व्हाट्सएप कर दिया। लेकिन मैंने तो नहीं देखा। आपके लिए नहीं है मामा, जब सब इसे देखेंगे तभी तो कहानी शुरू होगी ना। फिर हमारे प्रताप डार्लिंग सेम सेल सेम बेड सेम जेल में जाएंगे। अगर ये सब नहीं चाहते तो मेरा गुस्सा कम होना चाहिए, समझे क्या? भांजे हमें इसे यहाँ से जाने देना चाहिए। समझ गए मामा, जो तुझे समझना चाहिए था मामा समझ गया। वैसे तू भी समझदार है प्रताप, अब मैं जाऊं। गुरुजी लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। सर कुछ गलती हुई हो तो माफ करना, अपने मन में कुछ भी मत रखना, हम सब आपके ही हैं। हाँ इस वक्त तो तुझे जाने दे रहा हूँ, पर मौत हर वक्त तेरे सर पे मंडराती रहेगी, याद रखना। ऑल द बेस्ट डार्लिंग। भाई बुल्ला रेड्डी का फोन मिल गया।
हाँ बोला बोल। वो गुंडा और उसकी भांजी बचकर करनोल की तरफ आ रहे हैं। मैं उनका फोटो आपको भेज रहा हूँ, आप देख लो। हे, उनको पकड़ो। अरे मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, मैं जा रहा। अरे भाई बालू, वो तो जवान था कूद गया, लेकिन मेरी उम्र तो नहीं है ना। समझ में नहीं आ रहा है कि हम मौत से भाग रहे हैं या हम मौत का पीछा कर रहे हैं। नहीं गुरुजी, हम बड़ी होशियारी से बच गए हैं। आगे बढ़। गुरुजी जरा एक गड्ढे निकालना। हाँ निकाल लिया। इसे फेंक दो। हाँ मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, फेंको इसे, मेरी है। हर बार इस फालतू गाड़ी की वजह से पकड़े जा रहे हैं हम। वाह, वो लड़की नहीं आएगी। इधर आ जाओ बेबी, आ जाओ। अब कहाँ जाएंगे गुरुजी? राइट में। लेफ्ट से जाना बेटर होगा। भाई समय बर्बाद मत कर, राइट हो या लेफ्ट, जहां से चलना है चल, लेकिन चल। स्ट्रेट भी चलने की ताकत नहीं। यानी अब इसे भी ले जाना पड़ेगा। ए भाई, तुम दोनों मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हो। तुम दोनों के नाम चिट्ठी लेकर मैं सुसाइड कर लूंगा। रुक जाइए, अभी मुझे इससे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। आप थोड़ा दूर जाइए। तुम दोनों आपस में पंचायत करो, मैं जा रहा हूँ। गुरुजी। अरे मेरे बाप, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। गुरुजी गुरुजी बोलकर पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया। जाइए ना। अरे जा रहा हूँ बेबी। अरे गुरुजी सुनिए तो। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ बोलो, सच बताओ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं। और बार बार मेरी जान बचाना? ड्यूटी। अच्छा, हाँ यही मेरी आंखों में देखकर बोलो। मैं क्या देखूं, ये टचिंग लविंग वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद नहीं है? दूर रहूं तुमसे? कितना दूर रहूं? इतना, इतना या इतना? अब तो ठीक है ना? अपना प्यार जाहिर करो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ इतना ईगो क्यों है तुम्हें? मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ इसलिए ना। हाँ किस तरह से बोलूं कि तुम्हें समझ में आ जाए, बताओ, मैं उसी तरह से बोलूंगी। बताओ ना प्लीज, बोलो। चलो अब चलते हैं। तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगी। चलो छोड़ो मुझे, चलो मुझे नहीं आना। और तू क्या कर रहा है, गाड़ी क्यों नहीं बढ़ाता? ए, कौन है तू और यहाँ क्यों बैठा हुआ है? मुझे तुरंत हैदराबाद पहुँचना है। ठीक है, पैसे दो। ठीक है, देता हूँ। ये लो। बढ़िया, तुम इसे रख लो बेबी। हैदराबाद जाना है ना तुम्हें? थोड़ा मुश्किल है। बड़ा आया हैदराबाद जाने वाला। रास्ता अनजाना, मंजिल मस्ताना।
hey, बस को रोकना नहीं, चलो जाने दो, जाने दो, जाने दो। कौन होता है रोकने वाला? आई एम द बॉस। कृष्णा गाड़ी रोक ले। अरे रोको ना, जल्दी रोको भाई। ये कहां से आ गए? सर आइए 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 सर। अरे पैसे मिलेंगे इनसे। बहुत बढ़िया। पैसे दीजिए। हाँ। गुरुजी, आप यहाँ पर कैसे? मैंने कहा था ना गुरुजी गाड़ी लेकर आएंगे। तुम लोग एक ही ग्रुप के हो क्या? ओह, मैं सब समझ गया। तुम्हारा यही धंधा ही है। लड़की ब्यूटीफुल है और तुम हो देवदास। तुम दोनों प्यार करते हो और घर से भाग आए। क्या बात बोली आपने? बैग में क्या है? और क्या होंगे? कपड़े होंगे और थोड़े बहुत गहने होंगे। ये देवदास तुम्हारे गांव का है क्या? ये हैदराबाद जाने की बात कर रहा था। ये हमारे मैं गुरुजी सब समझ गया हूँ। शादी करने जा रहे हो ना, तो विटनेस की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए ये जा रहा है साथ में। क्यों गुरुजी, साइन करोगे या अंगूठा लगाओगे? गुरुजी कौन है तुम्हें पता है? बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, इन्हें टच करने के लिए रेंज चाहिए। लो टच कर दिया। बालू गुरुजी, हम लोगों को ये बहुत सीधा साधा समझ रहा है। अगर असल कहानी से पता चल गई ना, तो रनिंग बस में से कूदकर सुसाइड कर लेगा। अरे तुम रुको, शरीफ लोगों को परेशान करना बुरी बात है ना। गुरुजी आप भी क्या कुछ भी बोल रहे हैं। क्या खुसुर पुसुर हो रहा है? गुरुजी कह रहे हैं कि आपके चेहरे में उनको एक बहुत बड़ा कलाकार नजर आ रहा है। क्या बात की है? चिट्टी बाबू ड्रामा कंपनी फ्रॉम नांदेड़, पूरे स्टेट में हम फेमस हैं। मैं दुर्योधन और इस कंपनी का प्रोप्राइटर, वो धर्मराज है और वो दुशासन। ये जो खुजारा है ये शकुनी है, और वो जो हसीना आपके बगल में बैठी है वो द्रौपदी है, नाम है पद्मा। आपको आपकी पद्मा मिल गयी। मुझे ये पद्मा नहीं चाहिए, फोटोग्राफी में पद्मश्री चाहिए। तुम रुको बालू, मैं तो इसे सती सावित्री समझ रहा था, लेकिन ये तो कुछ और ही निकली। सुनो ना भाई, हमें पहुंचने में टाइम लगेगा, तब तक क्या करें हम? सब लोग चुपचाप सो जाओ, एक घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इसके साथ सो जाओ। कृष्णा तुम मत सोना, वरना हम सब हमेशा के लिए सो जाएंगे। हेलो काव्या, तुम्हारे पास आलिया आई थी क्या? अरे अरे, उसको लगा तभी तो पता चलेगा। ठीक है, वो काव्या के पास भी नहीं गई। देवर जी, आपके पास आलिया की फ्रेंड काव्या का नंबर है क्या? मेरे पास आलिया के किसी फ्रेंड का नंबर नहीं है। अरे सब लोग कितने केयरलेस हो गए, किसी के पास आलिया के किसी फ्रेंड का कोई नंबर नहीं है। अरे वो तो मॉर्निंग शो देखने के लिए गई थी, नाइट शो हमें दिखाएगी, ये हमें थोड़ी ना पता था। अरे तू क्या बात कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है? पता नहीं कहाँ चली गई है। बेबी कहाँ गई, इसका पता तो लगाना ही हुआ ना, कोशिश तो करें। दीदी तो बाजू वाले अंकल के साथ कार में बैठकर गई थी। तुम दोनों को कैसे पता? सुबह जब हम स्कूल बस में जा रहे थे तब देखा। सब लोग मेरे साथ चलो, आज उसको छोड़ेंगे नहीं। उसकी तो मैं। अरे उतरो सब लोग, उतरो, हम लोग पहुंच गए, चलो जल्दी उतरो सब लोग। अरे भाई ने क्या मस्त लड़की पटाई है। चिट्टू बाबू अभी हम लोग कहाँ पहुंचे? जाकर पूछ लो ना। बड़ा डरपोक है ये। बालू क्या हुआ गुरुजी? वो देखो, हम उसकी आंखों के सामने खड़े हैं। उसकी आंखों के सामने नहीं, उसके कटआउट के सामने खड़े हैं। क्या आप समझ नहीं रहे, हम उसी के गांव में आ गए हैं। मतलब हम लोग यू टर्न करके वापस यमराज के पास आ गए हैं। hey, ये क्या नाटक है, इतना लेट क्यों हो गए? जनता को खुश करना है कि नहीं? अरे अब हम लोग आ गए ना। अरे बापे, ये क्या है, 12 लोगों को बुलाया था और तुम 15 लोगों को लेकर आ गए। इन 3 लोगों के एक्स्ट्रा पैसे काटूंगा मैं। अरे ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं, मेरी बहन की बेटी, मेरे भाई का लड़का, दोनों प्यार करते हैं, भाग कर आए हैं, शादी करवानी है। रिश्तेदार है, शादी करवा। मेरे भांजे को रिश्तेदारों से एलर्जी है। अरे एलर्जी तुझसे है ना, मुझसे तो नहीं। बालू देखो ये कितना जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है, अगर फिल्म इंडस्ट्री में चला गया ना तो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देगा। ये कौन है? विटनेस, साक्षी की यहाँ क्या जरूरत थी? अरे सही कहा विटनेस है। जल्दी से स्टेज पर पहुँचो, नहीं तो पब्लिक चिल्लाएगी। ऐसे कैसे जाएं बिना डाले? क्या डालना है? गेटअप। गेटअप डालना है। अरे ओ कामेश जरा सुन, चल इनके सामान उठाकर फेंक दे। ये क्या कह रहे हो? ये उल्टा सुनता है इसीलिए उल्टा बोलना पड़ता है। भैया क्या है, आप अपना फोन देंगे प्लीज? तुम इतने प्यार से मांग रही हो तो ये भाई मना कैसे कर सकता है, ये फोन तुम्हारा ही है। टेक इट। थैंक यू भैया। तू क्या इशारे में नाना कर रहा था, ज्यादा थोड़ी मांग रही थी, किसी से बात करनी होगी तो फोन मांग रही थी, उसने मांगा मैंने दे दिया उसे। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ तो? बाद में पता चलेगा कि गलत सुर में बात कर रहा है, तब तेरी समझ में आएगा। तू ऐसे क्यों देख रहा है बंदर की तरह? ऐसे ही देख रहा था। फोन लगा उसको, फोन लगा। वाओ कितना क्रेजी हूँ मैं, इतने दिन तक उसके साथ था लेकिन उसका फोन नंबर ही नहीं लिया। हेलो कौन बात कर रहा है? हाय मामा जी। हे आलिया कहाँ है तू? स्पीकर ऑन कर। कैसी बात कर रहे हैं मामा जी आप?
आपको बता के तो गई थी। मुझे क्यों बता रही है? मैंने तुझे कब बताया था? आप खुद ही बात कर लीजिए ना। बेबी कहाँ हो तुम? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्लर आई हूँ और यहाँ से काव्या की मेहंदी में जाऊंगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ओके? अर्जेंटली बड़ी बुआ को फोन लगा के बात करो, वो परेशान हो रही है। ठीक है मामा जी। हेलो। हेलो बुआ जी। हेलो बेटा, कहाँ हो तुम? सुबह से मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया है। सॉरी बुआ जी, फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। काव्या की मेहंदी में जा रही हूँ, वहाँ पहुँच कर आपको फोन करूँ? ओके बेटा, टेक केयर, हैप्पी बर्थडे, यही बोलने के लिए फोन कर रही थी मैं। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू सो मच, बाय। तुम्हें कुछ दिख रहा है? सब कुछ दिख रहा है गुरुजी, लाइव कमेंट्री की जरूरत नहीं। भैया कहाँ है? भैया नहीं आए क्या? वो नहीं आए, वो दूसरे काम से गए हैं। अरे दूसरा कौन सा काम है उन्हें? धत तेरी की। अरे भैया आएंगे ये सोचकर हमने जनता को बुलाया। आ जाए कुछ भी हो जाए, वो दिन हमको चाहिए, खाना भी खिलाना है। अरे वो किसी के बारे में पूछ रहा है? अरे गुरुजी आप अभी तक नहीं समझे, तीन लोगों के बारे में पूछ रहे हैं जो यहाँ पर आए हैं। अब लड़की तो यहाँ से चली गई, रह गए हम दोनों, तो बात बिल्कुल साफ है, फंसेंगे हम दोनों। वो इधर ही आ रहा। सुनो सामान आराम से उतारना। पिछली बार क्या हुआ था याद है? इस समय पुरानी बातें याद मत दिलाओ। बहुत अच्छा नाटक होने वाला है, आप लोग देखकर बताइएगा कैसा लगा। ए, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं? बालू, वो कुछ और बोल रहा है और तू कुछ और बोल रहा है। हाँ एक बात तो मैं समझ गया, मैं तुझसे बिना बोले भाग गया था, इसीलिए तुम मुझसे नाराज है ना? गुरुजी बचपन से मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता। कैसा एक्सपेरिमेंट? झूठी आशा, झूठी आशा। हाँ? नहीं समझे? कहीं तू मुझे मारना तो नहीं चाहता? अब मजाक मत करो, चलो अंदर चलो। श्री चिट्टी बाबू ड्रामा कंपनी की जय। सब लोग अपने अपने ड्रेसअप। ये सब क्या है बालू? पद्मश्री अवार्ड पाने वाले को ड्रामा कंपनी में गेटअप डालना? ड्रामा है द्रौपदी चीरहरण भाई। अरे बचपन से यही देखता रहा हूँ, कुछ अलग करते हैं ना। सुपर हिट खेल है, सिर्फ उतारना है, पहनाते हुए नहीं देखना है। मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगी। अच्छा ये एक्टिंग करना चाहती है ना, तो इसको द्रौपदी बना के इसकी साड़ी खिंचवा देते हैं। अरे मेरी बहन यहाँ द्रौपदी कब रोल करेगी? क्या बोल रहा है? बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ तक आए हैं। वैसे हमारी बहन क्या करना चाहती है? भैया इसी को साड़ी पहना कर खिंचवा देते हैं। सही है। अरे सुन, तू जल्दी से जाकर दाढ़ी मुझे लेकर आ जा, तू बनेगी दुशासन, मजा आएगा। यस, फिर मैं क्या बनूंगी? गांधारी बन जाना। आंख पे पट्टी बांध के रखेगी तो और खूबसूरत लगेगी। तू ये बात दिल से कह रहा है ना, तो इसकी बात का बुरा ना। ए, ढोलो सबको, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहीं पहुँच जा रहे हैं। घर है, गाँव है, वो लोग तो होंगे ही। वो हमें देखे इससे पहले कुछ करना होगा, अगर दिख गए तो मार डालेंगे। कौन सा गेटअप डालेंगे तो अच्छा रहेगा? सब तो हो गया, लेकिन धृतराष्ट्र कौन बनेगा? हाँ मैं धृतराष्ट्र बनूंगा। ठीक है, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। ऐसे आंखें बंद करके रहूंगा तो किसी को नहीं दिखूंगा और मैं बच जाऊंगा। बेकार की डायलॉगबाजी शुरू हो रही है यहाँ पर। क्या बोल रहा है वो? अगर आप मेरे बगल में बैठेंगे तो एकदम परफेक्ट लगेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र को दिखता क्या है? इसको सभी गेट आउट बोल देंगे। और तू क्या बनेगा? कृष्णा बनोगे? श्री चिट्टी बाबू ड्रामा कंपनी की जय। पराब्रह्म। डायलॉग सही से बोल, जा भाई दुशासन। चल मेरे साथ। ये क्या कह दिया, मेरा डायलॉग भी नहीं बोलने दिया। पांचाली पंच भद्रिका, ये क्या किया तुमने? इस पूरी महफिल में मेरा मजाक उड़ाया है, पागल समझकर हंसी का पात्र बनाया है। तुम मुझे वहाँ देखकर कितना हंसी थी, उस समय तुम्हें बहुत आनंद आ रहा था ना? सुनो भाई, इस भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच लो। आज इस भरी सभा में इसकी साड़ी उतार कर मेरे अपमान का बदला लो। हवा में उड़ती जाए लाल साड़ी द्रौपदी की। अरे दुशासन, क्या हुआ क्या हुआ? तुमने जुए में द्रौपदी को हार दिया है, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। अरे ये कैसे डायलॉग बोला, स्क्रिप्ट में तो है ही नहीं। अरे ये मालिक है ना, जो चाहे वो बोल सकता है, फ्री है इसके लिए। ये क्या तुम दोनों मीटिंग कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत की सुयोधन से मुकाबला करोगे? अरे अब क्या करना है, सिर्फ साड़ी खींचना है ना, तो इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, बस साड़ी पकड़ो और खींच लो। अरे दुशासन जल्दी ना कर, हर चीज का एक वक्त होता है। अरे शकुनी मामा, ऑडियंस में इतना पेशेंस नहीं है, समझे? मेरी बात तो कोई सुनता नहीं, मुझे क्या पागल समझा? हाँ मैं केशव रेड्डी, रेड्डी प्रताप रेड्डी को वादा किया है, उन्हें मैं किसी हाल में देखा हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। देखिए वो लोग यहाँ भी आ गए। देखिए महाराज, आपके राज्य में कैसा अन्याय हो रहा है। हाँ। क्या ये न्याय है, यही धर्म है? अरे क्या बोल रही है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, थोड़ा साफ साफ बोलो। ए बेटा कृष्णा। बोलिए गुरुजी। अरे उससे क्या बात कर रहे हैं? अरे तुम रुको। अरे बेटा वो लोग इधर ही आ रहे हैं। गुरुजी आप कैरेक्टर छोड़ो। कैसे
याद रखिए धृतराष्ट्र अंधे थे, वो किसी को देख नहीं पा रहे थे। इस तरह का अत्याचार मेरे ऊपर मत करो। ये सब क्या चल रहा है? अरे तुम चुप रहो बेबी, मौत हमारे सामने आकर बैठ गई है। धर्मराज गुरुजी ध्यान दीजिए। तुम लोग इस तरह मेहमानों की तरह क्यों बैठे हुए हो? खड़े हो जाओ, चलो उठो। दांव पर कुछ भी लगा देते हो, अकल नहीं है क्या? गाली तो मुझे खुद को देनी चाहिए जो मैंने ऐसा रोल किया। जरा से भी अकल नहीं है तुम में। अपनी बीवी को कैसे दांव पे लगा सकते हो? हाँ बताओ, अरे कोई इंसान ऐसा काम कर सकता है क्या? पिताजी। हाँ एक मिनट। अरे पागल, इन सब की असली वजह तू ही है। तुझसे कितनी बार कहा कि उल्टे सीधे का मत किया कर, लेकिन तू सुनता कहाँ? कृष्ण भगवान साड़ी फेंक नहीं रहे और ये साड़ी उतार नहीं रही और इसे कुछ दिखता नहीं। अगर यहाँ कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो मैं सबकी जान ले लूंगा। शकुनी, पिताजी मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं मामा? अरे बहन जी, तेरे आर्टिस्ट ही ऐसे नहीं चिल्लाएंगे तो और क्या करेंगे? अरे तू दूर जे। जो भी औरत की हाय लेता है और जो बिना मांगे लिफ्ट लेता है, वो मेरी तरह अपनी जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। बिल्कुल करेक्ट बोला है, यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। जय महेशमती। यहाँ कोई नहीं है। ये सुनो, जल्दी जल्दी उतरो, यहाँ से भागने का ये सही समय है। ये क्या कर रहे हो? ये कहाँ से आ गया? अरे तुम्हारे लोग अंदर बैठे हुए हैं और तुम लोग यहाँ से जा रहे हो? अरे खाना वाना नहीं खाओगे? ऐसे ही चले जाओगे तुम लोग? अरे भाई हम लोगों को भूख नहीं है, अभी जाने दो। ऐसे कैसे जाने देंगे? हमारे मेहमान हो भाई, खाना खिला कर ही भेजेंगे। गुरुजी, ये हमारा मर्डर नहीं, खातिरदारी कर रहे हैं। अरे इसकी बात पर मुझे भरोसा नहीं। भाई जब भी तुमसे कुछ बोला जाता है आपस में डिस्कस क्यों करते हो? भले ही तुम लोग यहाँ अपनी मर्जी से आए हो, लेकिन जाओगे यहाँ से हमारी मर्जी से। अंकल एक बार यहाँ का खाना खाएंगे ना तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। खाएं तो भी मरेंगे, ना खाएं तो भी, इससे अच्छा है खाकर ही मरेंगे। क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो तुम? अरे हम आपस में ऐसे ही बात करते हैं। चलो अब। हाँ तो चलो ना। हे, जल्दी से टीम खाना लगा। आइए 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 ना। आ गया आ गया। बैठिए। अरे इन लोगों के लिए खाना लगा भाई, जल्दी जल्दी परोसो। तुम रुको, खाइए ना, ठीक से खाइए, प्यार से खींचिए। अरे क्या खींचूं? फोटो। इसे पता नहीं कब क्या बात करनी चाहिए। बालू मुझे अपनी जगह बदलनी है। बैठिए गुरुजी, टेंशन क्यों ले रहे हैं, एंजॉय कीजिए। अरे देखो देखो वो इधर ही आ रहा है। कौन आ रहा है? कहानी क्या है? कहानी ये है, बस यही हुआ था। कहानी तो काफी अच्छी है, काफी उतार चढ़ाव है कहानी में। क्या कहा तुमने? वो जेल से आए और तुमने उसका किडनैप किया। हाँ। उसने तुम्हारी ऐसी की तैसी की, तुम लोग हमारी बस में चढ़े और यहाँ पर आ गए, जोक मारते हुए हंसी मजाक करते हुए आइटम सॉन्ग किए, है ना? देखो भाई जोक मत करो, आराम से खाना खाओ। भाई साहब दरअसल बालू, अरे वो चुपचाप खाना खा रहा है मेरे बाप, तुझे उसे अपनी कहानी सुनाने की क्या जरूरत? मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। गुरुजी मेरी बात तो सुनो, यही मरो। गुरुजी सुनो तो, मुझे दो दिन में हैदराबाद पहुँचना है। क्या बोल रहे हो भाई तुम लोग? हमारे केशव रेड्डी बहुत ही दिलदार आदमी है, चलो तुम लोग को इनाम नहीं दिलाओगे क्या? अरे भाई मुझे जो दोगे ना वो इसको भी दे देना। मैं भी इनाम दिलाता हूँ, चलो मेरे साथ आओ। अभी तुम लोग यहीं रुको, मैं भैया को समझा कर उनसे इनाम लेकर तुम लोग को ला कर देता हूँ। मुझे ड्रेस चेंज करनी, चलो मैं तुम्हें अपने कपड़े देती हूँ। भाई का फोन आया था, आस पास के किसी भी चेक पोस्ट पे उनको नहीं देखा गया और ना ही किसी टोल नाके पे देखा गया, इसका मतलब वो यहीं कहीं आस पास है। ध्यान रहे बचने ना पाए। भैया 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 उन लड़की ने बहुत ही कमाल का डांस किया था, उन लोगों को इनाम देना चाहिए ना। हम क्या बात कर रहे हैं और तू क्या बात कर रहा है, चल निकल। अबे ठीक है भैया। रुक। हाँ भैया, इस पोस्टर को आसपास की दीवार पे लगवा दे। ठीक है, अगर तूने हिस्सा मांगा ना तो तेरी। अभी हमारे छोटे भैया का मूड सही नहीं है, इनाम कल सुबह ले जाना। हे बेबड़े इधर, ये ले, इसे ले जाकर आसपास के दीवारों पर लगा दे। गार्डन में मस्त पलंग लगा हुआ है, जाकर आराम से सो। ठीक है। अरे तो वही है, यस मिल गए। हम लोग नक्सलाइट है या टेररिस्ट, हमारी फोटो दीवार पर लगाने क्यों दी है? अरे वो लोग बहुत अच्छे हैं, रात में आए और अपना काम करके यहाँ से निकल गए, लेकिन तूने क्या किया? पैसों के लिए दिन दहाड़े मस्तान के हाथों प्रताप रेड्डी को बेच दिया। मेरी किस्मत ही खराब थी जो मैं तेरी गाड़ी में बैठा। भाई इस फोटो में जो हो तुम ही हो ना। ये बात किसी से मत कहना। इस फोटो का क्या करोगे, मुझे दो। जिंदा मत करो भाई, ये फोटो दीवार पे लगेगी लेकिन उल्टा उल्टा, मेरा विश्वास करो भाई। ओके गुरुजी, मूड ऑफ हो गया है, मैं जरा ड्रेस चेंज करके आता हूँ। ये ड्रेस चेंज करने जा रहा है, लगता है ये पागल हो गया। अरे गुरुजी, आप जो कह रहे हैं वही सच है। अरे चिट्ठी, मैं तेरे को तब से समझा रहा हूँ, तू समझ क्यों नहीं रहा है? आखिर तू कब समझेगा? वैसे ये दोनों आपको कहाँ मिल गए?
अरे हम दोनों की कोई कहानी नहीं है। हाँ। वो जो तेरी बहन है ना बहन, हाँ। उसकी ब्लॉकबस्टर कहानी है, सुनेगा ना तो फट जाएगी। लेकिन इस कहानी को आपने कैसे संभाल कर रखा है? इसी को तो माधव राव कहते हैं। मतलब वो कौन है सर? मैं मौत की कगार पर हूँ फिर भी सहन कर रहा हूँ, लेकिन एक बात तो पक्का वो है। क्या? मैं सिंगल नहीं जाऊंगा, हाँ। तुझे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। इससे मेरा कोई मतलब नहीं, मैं क्यों जाऊंगा? इस कहानी में मैंने लिफ्ट मांगी थी जबकि मेरा पात्र लिफ्ट देने का था। तुमने मांगी थी और मैंने दिया था। तू गलत सोच रहा है चुट्टी, ये लोग जिसे ढूंढ रहे हैं ना उसी लड़की के मामा का रोल तूने अदा किया है। हेलो, पहली बारी तेरी है। अब क्या करूं सर? चुपचाप सो जाएंगे। सो जाओ। नींद नहीं आई तो ठीक, अगर आ गई तो सीधे शमशान। अब इसे नींद नहीं आएगी। Have a sleepless night। मुझे नहीं पता, नहीं पता। क्या हुआ गुरुजी? ये अभी तक सोया नहीं? अभी अभी इसे कहानी पता चली है, फिर इतनी जल्दी से नींद कैसे आएगी? मैं नाइट वॉक पर जा रही हूँ, जो ड्यूटी कर रहा है वो फॉलो कर सकता है। बेबी, इस वायलेंस सिचुएशन में रोमांस जरूरी है। हेलो, रोज का 2 लाख रुपए दे रहे हैं ना, तो इतना काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बालू, जाना ही पड़ेगा। तो चिट्ठी बाबू क्या मुझे है? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। मैं कब से वेट कर रही हूँ कि तुम मुझसे कुछ पूछोगे। अरे राम जी ने कहा था कि आइए ना। अरे बाप रे, कहाँ फंस गया? फुलीली का फूल देखो कितना खूबसूरत है ना। वो सनफ्लावर देखो मेरी तरह मुरझा गया है। ये चंदा मामा मैं हूँ और ये आकाश मेरी दुनिया है। ये आसपास के सारे सितारे मेरे रिश्तेदार हैं और ये आती जाती ऋतु मेरे फ्रेंड्स हैं। और उस चंदा मामा के पास जो रोशनी है वो तुम हो। ये रोशनी ही है जिसकी वजह से चंदा मामा इतने खूबसूरत दिखते हैं। तुम जब मेरे पास होते हो तब मैं बहुत खुश रहती हूँ। तुम कुछ तो बोलो, इतनी बकवास कर रही हूँ, मुंह में जुबान नहीं है क्या? बोलता हूँ। क्या? वही जो तुम सुनना चाहती हो, अब वही बोलता हूँ। जल्दी बोलो ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। फर्स्ट विश करने वाले को सब याद रखते हैं, लेकिन लास्ट विश करने वाले को कभी भूलते नहीं। तुम्हें क्यों भूलूंगी? अब ना मुझे एक अच्छा सा गाना गाने का मन कर रहा है। गाओ। गाना सुनने केशव रेड्डी आएगा और कोरस के लिए बाकी सब, मिलकर ग्रुप सॉन्ग ही गा लो ना। चलो। सो मत बेटा, मैं हूँ ना भाई, मुझे अर्जेंट लगी है। अर्जेंट लगी है, चल उधर चलिए। सर बख्शीश, उन तीनों को जल्द से जल्द पकड़ना है। क्या बोला? अरे उन तीनों ने गाना गाया फिर डांस भी किया, तुमने क्या कर दिया? बोला ना तीनों को जल्दी पकड़ो। मेरा पैसा मुझे दीजिए। कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, उन तीनों को बुलाओ। ये क्या कह रहे हैं? अरे वो पैसों के लिए नाटक क्यों कर रहा है, हम लोग उसके मुंह पे पैसे मार देंगे। ए चिट्ठी बाबू। गुरुजी, अब क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये सब तुम तीनों की वजह से हो रहा है। मिल जाए तो तीनों को पकड़ के वहीं मार देना। उन तीनों को कुछ भी बोला ना तो चप्पल खोल कर मारूंगा तुम्हें। क्या बकवास किए जा रहा है तू? वो बात नहीं है, वो क्या है ना कि रात में जो प्रोग्राम हुआ था ना उसमें इन तीनों ने गाना गाया, डांस किया था, हंसाया रुलाया उन तीनों ने, और बख्शीश ये कमीना मांग रहा है। उन तीनों को नीचे बुला। गुरु जी नीचे उतरते। हेलो भाई, उनकी गाड़ी इधर है भाई। भाई रहना और नजर रखना, चल गाड़ी निकाल, जल्दी से आ जाओ, चलो बस में चलो, चलो 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 चलो। हाँ भैया गाड़ी रोको, अरे रोको रोको, अरे जल्दी रोको, हाँ रोको। ए भाई तू नीचे उतर, जल्दी नीचे उतर, पीछे बैठ। अरे ये, अरे भाई मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके एक बहुत ही जबरदस्त स्पीकर का इंतजाम किया है, आप सोच रहे होंगे वो कौन है? अरे वो जो तीनों आए थे ना उनमें से एक है, वो कमाल की है, दिखाता हूँ, ये देखिए, मस्त है ना, बहुत मस्त है ना, जबरदस्त है ना। जिन तीनों को हम ढूंढ रहे हैं वो यही है। क्या बोल रहे हैं भाई, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, अभी पकड़ लेंगे हम उनको। चलिए चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। वो लोग आ रहे हैं, कवर कर, मिस मत करना। कहाँ है वो लोग? वो गाड़ी पंचर हो गई थी, पास में चाय पीने गए। भाई ये तो उस लड़की का भाई है। भगवान की कसम मैं उसका भाई नहीं हूँ सर। गुरुजी तेज भागो। ए, ए, रुक जा।
अरे इस उम्र में मुझे कहाँ कहाँ भगाएगा? इस तरफ चलते हैं, आ जा। भागो भागो, बातें मत करो, भागो। अगर इस तरह पहले भागा होता तो मुझे गोल्ड मेडल मिल जाता। गुरुजी लेफ्ट में, जल्दी। बालू, क्या हुआ? अब मैं और नहीं भाग सकती। गुरुजी बैग संभालिए। अरे ये क्या कर रहे हो? चलो गुरुजी। अरे सुनो सुनो, भागो भागो भागो, चलो। ओह नो, मुझे तो गुरुजी। हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो लोग आए तो संभाल लेना। क्या कहा, थक गया है? अरे इस सिचुएशन में तुझे नींद कैसे आएगी? गुरुजी, हाँ, वो आएगा, दरवाजा पीटेगा, फिर चिल्लाएगा और दरवाजा तोड़कर अंदर आएगा। इसमें पूरे 5 मिनट लगेंगे। हाँ, इस बीच में थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे देखो, बाहर निकल, जाओ जाकर कुछ करो। दरवाजा खोल, नहीं तो जान से मार दूंगा। दरवाजा नहीं खोला तो क्या मार डालोगे? हम इंसान हैं यार, इंसान इंसान को कैसे मार सकता है? क्यों गुरुजी? एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे मार सकता है? ओ, जो लड़की तेरे साथ है उसे मेरे हवाले कर दे। इस लड़की ने क्या बिगाड़ा है? तू पागल तो नहीं हो गया? ए, वो भानुमती की भतीजी है, उसकी गर्दन पे चाकू रख कर प्रताप रेड्डी कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में कदम रखना चाहता है। और बीच में जो तूने काला कांड किया ना, इस वजह से तू भी नहीं बचने वाला। खोल। एक आदमी को मैंने बेच क्या दिया, ये चीज खत्म ही नहीं हो रहा। मुझे लगा था इसके पीछे कुछ है, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। इसी की वजह से हम दोनों की जान खतरे में पड़ गई है। इस लड़की की वजह से हम दोनों मारे जाएंगे। दरवाजा खोल। ए, हम लोग बात कर रहे हैं ना भाई। लड़की को आपके हवाले कर दिया तो जाने दोगे? हाँ, तू बस उसको मेरे हवाले कर दे। देखिए गुरुजी, जिंदा रहना है तो इसे सौंपना होगा। अरे ये बेचारी बच्ची है। बेचारी, इसके साथ आपको भी उनके हवाले कर देता। मुझे मरने का शौक नहीं। आपको मरना है तो मरो, मैं जा रहा हूँ। अरे बालू, तू क्या कर रहा है? केशव रेड्डी भैया, आप अंदर आकर इसे ले जाओ। ए, उसे बाहर भेज। ये लड़की पागल है जो मरने के लिए तेरे पास आएगी। तू अंदर आके ले जा। तब से अंदर आओ कह रहा था, दुम दबा कर आना चाहिए था ना। अब पता चला ना कि हमारे भाई में कितना दम है। अब पता चल गया ना, दिखने में ये चुचुंदर की जात का लगता है। अब बताओ हम बाहर कैसे जाएं? बाहर छोड़, तू सीधा ऊपर जाएगा। बस हुआ, अपना मुंह बंद रख। गुरुजी जरा चाकू उठाना। किस लिए? बाहर के गुंडों को मैनेज करो। जिस चाकू से सेब काटते हैं उससे गुंडों को मैनेज करना है? अरे बेवकूफ, उनके हाथों में तलवारें हैं, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इसे हैंडल करो। अरे बाप रे, ये तो मुझे बुरी तरह घूर रहा है, मैं ये भी नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करूं? खत्म कर दो इसे। चल काट दे, इसे भाई के सामने ले जाके उनके सामने टुकड़े टुकड़े करेंगे। चलो, हमारे घर में रहकर, हमारे यहाँ का खाना खाकर, हमारी गाड़ी में घूमकर हमें बेवकूफ बना रहा था। अब तो बोलती बंद है ना तुम्हारी, इनकी आवाज भी नहीं निकलेगी अब तो। भैया क्या हो गया? भैया भैया, ये क्या हो गया? इन लोगों ने क्या किया, क्या पता क्या कर दिया भैया? किशन रेड्डी, ये क्या हो गया भैया? अरे अरे छोड़ो, अरे रुको, अरे मुझे तो लेके चलो। बालू, अरे वो कितना खतरनाक था, गले पे छुरी लगाए तभी मार देना चाहिए था ना। अरे खतरनाक और समझदार होता तो शहर में होता, हमारे साथ यहाँ नहीं होता। पर मैं हर्ट हो गया। वो किस लिए? कहानी इसकी है, इसने बताया भी नहीं। इसने कसम खाई थी कि ये तुम्हें नहीं बताएगी, क्योंकि इसे पता था कि तुम इसे बचा ही लोगे। अब मैं तो कन्विंस हो गया हूँ बालू, क्या तुम भी कन्विंस हो गए हो? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हैदराबाद वाया कर्नूल? नहीं, हमारे गांव जाएंगे। हाँ बालू, इस टेंशन में फोन उठाना जरूरी है? नहीं उठाएंगे तो टेंशन बढ़ जाएगी। अभी भी कहानी में ट्विस्ट है। बोलो प्रताप डार्लिंग। अरे बेटा जरा प्यार से, तुम्हारे खास आदमी हमारे कब्जे में है, सुर जरा नीचे करो और हमसे अदब से बात करो। ए, ये फोन जरा उधर देना तो, जा। ए, इसे दूर रख रहा। हेलो बेटा, ठीक तो हो ना?
बापू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा उस बच्ची को करनोल में उसकी बुआ के पास सही सलामत छोड़कर ही आना। अच्छा बापू, लेकिन बापू आप तू मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत कर बेटा। तेरे बापू को छूने वाला कोई मर्द पैदा नहीं हुआ है। उस लड़की को सही सलामत पहुंचाकर मुझे फोन करना, उसके बाद हम लोग दावत करेंगे। हाँ दावत करेंगे ना बापू, कल शाम को धूमधाम से करेंगे दावत। फोन रखता हूँ। ए तेरी बुआ को फोन कर। इतना गुस्सा करेंगे तो कैसे चलेगा, एक बार मुझे बता देते ना, अगर उसे कुछ हो जाता तो। हेलो बुआ। आलिया कहाँ पर हो तुम बेटी, बताओ मैं आदमियों को भेजती हूँ। सॉरी बुआ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहती, पर हालात ऐसे थे कि सोचा मिलकर बताऊंगी। सफाई मत दे, कहाँ है तू बता मुझे। इतना चिल्ला क्यों रही हैं आप, जब मैं आपके पास रहती हूँ तब कितनी हिम्मत से रहती हूँ ना, और बालू के साथ भी आज उतनी ही हिम्मत से हूँ। वो मुझे वहाँ लेकर आएगा बुआ जी। मुझे एक बार उससे बात करनी है, फोन देना उसे। बालू हाँ। बुआ जी तुमसे बात करना चाहती हैं। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी बच्ची को संभाल कर हमारे घर लेकर आना। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। तुम जिसे लेकर आ रहे हो वो सिर्फ हमारी बच्ची नहीं, हमारे जिगर का टुकड़ा है। ठीक है आंटी। गुरुजी हाँ। ये भला कैसा राज है, मारने के लिए पैसे, सेफ रखने के लिए पैसे। हाँ। आखिर ये लोग जिएंगे कब, अगर जान का इतना खतरा है। हाँ। तो हाथ पांव जोड़कर पैरों में गिरकर कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर सकते। हाँ। मेरी बुआ के बारे में क्या जानते हो तुम, अपने भाई को दिए हुए वचन की वजह से वो आज 25 गांव और 5,00,000 लोगों का सहारा बनकर खड़ी हैं। क्या कहा तुमने, डर? वो डरपोक नहीं है, वो एक राक्षस से अकेली मुकाबला कर रही हैं। और तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुझे बचा लिया तो अपने आप को बड़े हीरो समझ रहे हो? हाँ मैंने पैसे के लिए जीने वाले एक इंसान से प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो तू खुश है ना, तू जैसा चाह रहा था वैसा ही हो रहा है ना। पागल है वो बच्ची, तेरी बातें सुनकर उसने ये रिएक्ट किया। तेरी बातों का मतलब मैं समझ गया लेकिन वो नहीं समझ पाई। हाँ। तेरी सिर्फ एक बात से तूने उसके दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर ली। तू जो कर रहा है सही है गलत ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सच तो यह है कि तू उसके लिए परफेक्ट है। अगर चिट्ठी अच्छी हो तो पोस्टमैन उसे अपनी जेब में नहीं रख लेता गुरुजी। जिस लड़की से प्यार करता हूं उसे दुख कैसे दे सकता हूं। अब आप निकलिए गुरुजी। बाकी मैं संभाल लूंगा। देखो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तक तूने उस लड़की का साथ दिया है बालू, तो उससे ज्यादा उस लड़की को कोई खुश नहीं रख पाएगा। जिससे प्यार करता उसे दुख देना गलत है। आप जाइए गुरुजी। मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। इस कहानी का अंत मुझे देखना है। दस मिनट में वो डीजीपी आ रहा है। सारा इंतजाम सही कर लीजिए। सौ 200, 300, 500 करोड़ जिंदगी भर बैठकर खा सको उससे ज्यादा देने की बात हुई, क्या करता। Thank you.
अगर चिल्लाएगी तो पूरा गांव जमा हो जाएगा भानुमति। तेरा स्कूल, तेरी फैक्ट्री, तेरी जनता सब शमशान बना सकता हूँ। चिल्लाएगी, चिल्ला चिल्ला। बच्ची को बचाने के लिए कुत्ते को पाला है ना तूने? अब देख उस कुत्ते का शिकार ये शेर कैसे करता है भानुमति, देखेगी हाँ? मेरी भांजी मेरी जनता को छोड़ दे प्रताप, चाहे तो तू मुझे मार दे। तेरी इच्छा पूरी करूंगा भानुमति, लेकिन तेरी आंखों में पहले मैं मौत का डर देखना चाहता हूँ। जब उसे मैं मारूंगा उसके लिए जो तू तड़पेगी मैं वो तड़प देखना चाहता हूँ। तुझे डर क्या है और इस प्रताप रेड्डी की कीमत क्या है पता चलनी चाहिए। अपने हाथों से उसका गला घोटूंगा मैं, तब तक तू उसे ऐसे ही देखती रह। पैसा लौटा देगा क्या? उससे ज्यादा कीमती चीज मिल गई गुरुजी। पर तूने तो उस लड़की को छोड़ दिया। लड़की को छोड़ दिया पर उसके प्यार को नहीं। ने एक बार तुझे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन अब तेरी मौत मेरे हाथों से इसी वक्त होगी। उस दिन लड़की को बचाने की ड्यूटी पर था इसलिए तुझे रास्ते में बांधकर छोड़ दिया। अगर तुझे से बचाना ही ये पता होता तो वहीं पर तुझे काट देता। आने से पहले इस कहानी में क्या हुआ पता नहीं, पर मेरे इसमें आने के बाद तेरी जरूरत नहीं। इस कहानी का मैं Bye.
भानुमती देवी जिंदाबाद, भानुमती देवी जिंदाबाद, भानुमती देवी जिंदाबाद, भानुमती देवी जिंदाबाद, भानुमती देवी जिंदाबाद।